So welcome students to this part B session revision lecture students ये May 20, November 20 वालों के लिए students जो students पहली बार ही part B देख रहे हैं उनके लिए ये निवेदन होगा कि आप पहले part A का वीडियो जरा देख लें क्योंकि ये continuous series है तो पहले part A और पूरी interlinking के साथ पूरा game चल रहा है ये पहली बात है दूसरा अभी भी मैं बता रहा हूँ ये जो पीडीएफ नोट्स जो आप देख रहे हैं स्लाइड में मैंने पिछले क्लास में भी कहा था अभी भी दोहरा रहा हूँ ये पीडीएफ नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा सीए दुर्गेश सिंह या फिर आप हमारे डीएसटीसी ऐप में भी ये पर्टिकुलर पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगी क्योंकि इसके बाद वाला भी जो आपका नेक्स्ट पार्ट असेसमेंट प्रोसीजर का होगा उसके लिए ध्यान रखना आपको पहले पीडीएफ देखना है और फिर बाद में जाके रिविजन पे आना है तो थोड़ी सी आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करनी पड़ेगी जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो अपने रेगुलर कैप्सूल और ये अपने रिवीजन बैच है वो सारे प्राइमरी स्टूडेंट्स इस चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे कि यही अलाइनमेंट और यही इंटरलिंकिंग के जरिए हमने ये पूरा का पूरा गेम रचा है सो लेट्स लुक अपॉन टू दिस नाउ वन बाय वन क्विकली अभी जो हमारा थीम चल रहा है स्टूडेंट्स वो है डिडक्शन ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो पहला सेक्शन है उसका सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये डिडक्शन सेक्शन 35 में दिया गया है इसके दो पार्ट हैं पार्ट बी की जहां बात करें तो वो डोनेशन पे क्या है आपको डिडक्शन दे रहा है डोनेशन या कंट्रीब्यूशन पे ये डोनेशन और कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा कहां पे इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था अभी भी एक बार फिर से क्विकली जल्दी से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे सेक्शन के क्लॉज नंबर भी याद रखने पड़ेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लॉज नंबर के साथ आप याद रखना ये चीज़ को तो 35 2AA 35 12 अगर ये दो कैटेगरी में कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन को दिया है एसोसिएशन को दिया है तो फिर उसमें आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका 150% है और बैलेंस वाले कैटेगरी में जो 35 13 और 12A में अगर गया है आपका डोनेशन तो डिडक्शन 100% है तो PNL डेबिट अगर हुआ होगा डोनेशन वाला अमाउंट का तो जो डेबिट में तो आपने 100 ही किया होगा जितना आपने डोनेशन दिया उतना ही आपने उसकी डेबिट ली होगी तो आपको टॉपअप करना है 50% अगर ये 35 2AA या फिर 35 12 का अगर ये केस बनता है तो दैट इज द पॉइंट और उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा ये वाला जो पॉडी का पॉइंट मैंने बताया था कि डोनेशन के देने के टाइम पे अगर वो इंस्टीट्यूशन क्या है अप्रूव्ड है और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली मे बी ROI फाइल करने के टाइम पे या फिर एट द टाइम ऑफ असेसमेंट अगर उसकी अप्रूवल ले ली जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये डिडक्शन के लिए आपको ये देखना है कि क्या डोनेशन के टाइम पे वो इंस्टीट्यूशन या वो एजेंसी जो भी जिसको आपने डोनेशन दिया वो अप्रूव्ड थी या नहीं तो ये एक पार्ट है इस 35 का जो डोनेशन पे आपको डिडक्शन देने की बात रख रहा है अब जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकेंड इसमें आना जो पार्ट ए है इसका यहाँ पे आप खुद एक्सपेंडिचर कर रहे हो फॉर योर ओन बिजनेस मतलब कि आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में होगा या फिर प्राइमरी आपको बायोटेक इंडस्ट्री उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ऐसा नाम दिया जा सकता है तो बोला जा सकता है कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है या फिर कोई एक बायोटेक है मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन आपको पिच करेंगे बायोटेक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है आपको ये दो ये जो चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि वहीं पर आपको इसका एडजस्टमेंट आपको मिलने वाला है कि SSC ने अपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए कुछ एक्सपेंडिचर उसने इनकर किए हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नोटिस करना कि पार्ट ए में किस तरीके से बताया गया देखिए रिसर्च डिवीजन है यहाँ पे और यहाँ पे रखा है कमर्शियल प्रोडक्शन डिवीजन मतलब कि ये उसका नॉर्मल बिजनेस डिवीजन है जहाँ पे वो क्या कर रहा है मैन्युफैक्चर करके गुड्स को आगे बेच रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के पहले तो साइंटिफिक रिसर्च होगा या फिर साइंटिफिक रिसर्च तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है तो ऐसी कंपनीज का क्या होता है उनका अपना एक साइंटिफिक रिसर्च एक डिवीजन है जहाँ पे रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में वो इसका एक्सपेंडिचर होगा अब इसमें स्टूडेंट जरा कैटेगरी पे ध्यान देना किस तरीके से मैंने कैटेगरी किया हुआ है तो रिसर्च डिवीजन पे मैंने लिखा है बायोटेक या फिर अदर अप्रूव्ड रिसर्च क्या टर्म है अप्रूव्ड रिसर्च है ये चीज़ ध्यान रखना और दूसरा कैटेगरी है अदर्स का तो पर्टिकुलर्स में आपको बताया गया आपको ध्यान रखना कि क्या ये प्री कमेंसमेंट वाला ये केस है या फिर पोस्ट कमेंसमेंट वाला So either of the two, you have to look into it, whether it is a case of a pre-commencement or it is a case of a post-commencement.
तो अगर ये प्री कमेंसमेंट वाला केस है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ सैलरी एंड द रॉ मटेरियल, सैलरी एंड द रॉ मटेरियल बस उसी का ही क्या होगा, प्री कमेंसमेंट के टाइम पे आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। और ये बाय द वे ध्यान रखना, प्री कमेंसमेंट ये होगा आपका 3 ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर इन विच द एसएससी हैज स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस। तो वो 3 साल तक का ही प्री कमेंसमेंट का पीरियड आप लेंगे और उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। किसकी? सिर्फ आपको सैलरी और रॉ मटेरियल के खर्चे का ही आपको डिडक्शन दिया जाएगा। और जो क्वांटम होगा डिडक्शन का, भले ही आप अप्रूव्ड वाले कैटेगरी में क्यों ना आपको नोटिफाई किया जाए या आप बायोटेक इंडस्ट्री से हो, लेकिन आपको सिर्फ 100% तक ही आपको डिडक्शन उसकी बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो कैपिटल है उसमें एक्सेप्ट बताओ क्या किया गया, लैंड, लैंड को छोड़ के आपको जो भी बाकी बिल्डिंग हो या प्लांट एंड मशीनरी हो उसका भी आपको 100% का ही डिडक्शन आपको लेना है। दिस इज द प्री कमेंसमेंट वाले कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में। पोस्ट कमेंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू अगर आपका पहला कैटेगरी है बायोटेक या अप्रूव्ड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में तो फिर 150% है, और जहां तक पोस्ट कमेंसमेंट है तो 100% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने इनकर किया होगा पोस्ट कमेंसमेंट, तो उसमें ये 3 कैटेगरी मैंने दी है आपको, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। जहां तक लैंड की बात होगी स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ध्यान रखना ये इनएलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप अगर अप्रूव्ड के कैटेगरी में हो या फिर आप बायोटेक के कैटेगरी में भी क्यों ना हो, आपका मैक्सिमम डिडक्शन जो बनेगा वो कितना होगा, 100%। ठीक है, तो वो ध्यान रखना वो 100% तक ही होगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो प्लांट है उसका आपको 150% तक की डिडक्शन देने की बात रखी गई है, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो ये एक सिचुएशन है यहाँ पे जो ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एरो जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब आप जो आपका नॉर्मल बिजनेस डिवीजन होगा जहाँ पे नॉर्मल आपका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, ये बाकी ओवरहेड्स होंगे, तो वो आप नॉर्मल जो पीजीबीपी जो कैलकुलेट करते हो तो वो पीजीबीपी आपने कैलकुलेट वैसे ही करना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और फिर बाद में आखिरी में आप डिडक्शन दोगे सेक्शन 35 का। सो दिस इज द डिडक्शन दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो ये डिडक्शन देंगे आप, फिर उसके बाद जो होगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और उसके बाद आएगा आपका यूएडी 32(2) का। तो ये आप अल्टीमेटली यहाँ पे इसको रिड्यूस करके फाइनल आपका पीजीबीपी बनाना है। ये तो फॉर्मेट आपको मैंने वैसे ही बता दिया था अपने पिछले पार्ट ए में भी, अदर एड्स ऑफ इनकम जीटीआई चैप्टर 6 है और फिर टोटल इनकम। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान रखना, और वो आपका पॉइंट होगा जो अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका, इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो एस्ट्रिक जो किया था ऊपर, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पे ध्यान रखना, इस पे आपको ध्यान रखना होगा अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च का जो ट्रीटमेंट है दिस इज एट पार विद दैट ऑफ यूएडी। तो प्लीज आप नोट करें कि 35 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन जो आपका अनअब्सॉर्ब कैपेक्स होगा, अनअब्सॉर्ब कैपेक्स होगा, वो अनअब्सॉर्ब कैपेक्स का जो डिडक्शन है वो आपको रेगुलेट किया जाएगा अंडर एज पर 32(2), मतलब उसका दर्जा वही है एज जस्ट लाइक योर यूएडी। एक और एक सेक्शन है जहां पे यूएडी का ही दर्जा दिया गया है, वो क्या है स्टूडेंट्स, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। वो भी टोटल देयर आर 3 कैटेगरीज, जिस 3 है टोटल, मतलब कि यूएडी तो है ही है, साथ साथ में अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली प्लानिंग एंड अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दोनों पे ध्यान रखना, उनका ट्रीटमेंट है एट पार विद दैट ऑफ यूएडी। तो उसी तरीके से क्या होगा, उनकी ट्रीटमेंट ली जाएगी, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो जहां जहां पे भी स्टूडेंट्स यूएडी होगा वहां वहां पर आपको क्या होगा, ये पर्टिकुलर अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च या अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, वो यूएडी ना देके आपको ये 2 चीजें दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट दोनों का क्या है, एट पार ही होगा। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक इश्यूज देख लीजिएगा क्या है। जो आपने एसेट एक्वायर किया था जिसका आपने डिडक्शन सेक्शन 35 में ले लिया है, अब वो एसेट का आपने किया क्या होगा, तो पहला है कि आपने वो एसेट को बेच दिया होगा, सो दैट एसेट इज बिन सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। या फिर आपने उसको ट्रांसफर किया होगा टू द बिजनेस डिवीजन, आपने उसे ट्रांसफर किया होगा टू द बिजनेस डिवीजन। मतलब कि अगर पहला वाला केस क्या होगा, वो एसेट
आपको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपने क्या किया है, साइंटिफिक रिसर्च जिस पर्पस के लिए आपने लिया था वो पर्पस पूरा हो गया, अब आप उसको बेच रहे हो। तो ध्यान रखना इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगला जो सेक्शन आना 35 AD, इसमें ये लिंक होगा, तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। सो देर इज़ नो लॉक इन पीरियड इन दिस रिगार्ड। सो सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, देर इज़ नो लॉक इन पीरियड इन दिस रिगार्ड। और क्योंकि इस पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो बेचोगे आप, इसमें जितना तक का जो सेल है टू द एक्सटेंट ऑफ जो सेल प्रोसीड है टू द एक्सटेंट ऑफ द डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर, वो डिडक्शन तक का जो सेल प्रोसीड है वो चार्ज होगा अंडर सेक्शन 41(3), दैट विल बी चार्जेबल अंडर सेक्शन 43(41(3), एंड द एक्सेस जो होगा अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट होगा ओवर एंड अबाउट द सेल प्रोसीड, वो चला जाएगा कहाँ पे, अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट वैसे सबको पता ही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ट्रांसफर टू द बिजनेस डिवीजन। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतने टाइम के लिए यूज़ करना है, और क्योंकि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इस वजह से जो डिडक्शन है वो कभी रिवोक नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आपने 2 साल के बाद आपने अपने बिजनेस डिवीजन में इसको ट्रांसफर कर दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के 2 साल बाद आपने इसको बिजनेस डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया है, तो जो आपने डिडक्शन पहले लिया है सेक्शन 35 का, वो रिवोक नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से क्या है इसका, इसमें कोई डीम्ड इनकम नहीं बनेगी। और जहां तक, क्योंकि अब ये बिजनेस डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस वजह से वो एसेट अब ब्लॉक का हिस्सा बनने जाने वाला है, क्योंकि द एसेट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एंड दैट इज द रीजन वाई इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक। और क्योंकि अब ये ब्लॉक का हिस्सा होगा, इस वजह से इसकी जो WDV है वो निल होगी। उसकी वजह यही है कि डिडक्शन को हमने रिवोक नहीं किया, कोई भी इनकम चार्जेबिलिटी नहीं बनी है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट इसमें बनता है। तो यही चीज मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लिखा, देर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर विच दैट एसेट हैज टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एंड हेंस देर इज नो डीम्ड इनकम ऑन सच ट्रांसफर। 35 AD, डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। अब आपको स्टूडेंट पहले 35 AD के बारे में बता दूं, स्पेसिफाइड बिजनेस का एक लिस्ट है, लिस्ट आपको याद वैसे रखनी नहीं, लेकिन एक टाइम पे तो आपको एक बार गो थ्रू कर ही लेना चाहिए, खास करके जो होटल्स हैं ये सब जो कैटेगरीज हैं उस पर एक बार नज़र घुमा लेना। अच्छा, आप ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस के कमेंसमेंट के पहले भी अगर आप चाहो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले भी अगर आप इनकर करते हो, या कमेंसमेंट के बाद भी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करोगे, तो जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है उसका आपको 35 AD में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। दैट इज़ वॉट 35 AD इज़ ऑल अबाउट। इसमें बस ध्यान रखना कि कुछ इनएलिजिबल आपके कैपेक्स हैं जिसका डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, इन एलिजिबल कैपेक्स होंगे जिनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि लैंड है, गुडविल है, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये एक इन एलिजिबल है जिसका आपको कैपेक्स का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपने एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है लेकिन उसकी पेमेंट आपने की है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और बाय एन अकाउंट पे ड्राफ्ट ऑन अ सिंगल डे इन एग्रीगेट ऑफ ₹10,000, तो उतना तक का अमाउंट का भी डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो 10,000 का थ्रेशोल्ड वही जो 43 है, लेकिन ये कैपेक्स की बात हो रही है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोविजो के जरिए ये लिखा हुआ है कि आपको कोई भी कैपेक्स का जो रीपेमेंट आपने किया है इन एग्रीगेट ऑफ ₹10,000 ऑन अ सिंगल डे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे ड्राफ्ट, उस पर्टिकुलर अमाउंट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, अब बताओ इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, एक और पॉइंट है जो मैं बस आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ये जो बिजनेस है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस जो आप जिसको आप कमेंट्स करोगे, सो दैट शुड नॉट कम इन एग्जिस्टेंस By splitting up the business which is already in existence. तो जो business पहले से ही जो existence में है उसको split up करके या उसको reconstruct करके आप एक क्या कर रहे हो, एक नया business बताना चाह रहे हो कि हम एक नया business start कर रहे हैं, तो आपको उसका benefit नहीं मिलेगा, क्योंकि specifically बोला गया है
कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटअप करके अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि आप कोई एक नया बिजनेस कमेंस करोगे तो वो हम उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एलिजिबल बिजनेस। इसी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एक कंडीशन डाला गया है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी के कॉन्टेक्स्ट में कि आप मैक्सिमम जो है 20% ही ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 20% ही ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड दे रखा है उन्होंने 20% का ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आप उसे अक्वायर कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आप स्टूडेंट्स, जो ये ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो बात रखी गई है उसमें फॉरेन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अगर होगा तो वो 20% के थ्रेशोल्ड में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये इम्पोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है तो कोई इसमें पाबंदी नहीं है, ये आप अगर इम्पोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करते हो तो प्राइमरी वो एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन पूरी तरह से दे दिया जाएगा। ये देखेंगे नहीं कि क्या वो अमाउंट 20% के जो ओवरऑल थ्रेशोल्ड जो आपको बताया गया है उससे वो एक्सीड करता है या नहीं। तो आप ये जो 20% वाला जो थ्रेशोल्ड जो अपनाओगे दैट ओनली विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी विच इज नॉट इम्पोर्टेड बट इट इज समथिंग जो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकली जो आपने प्रोक्योर किया होगा वो। अब क्योंकि मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि भाई जो मैक्सिमम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो 20% ही है, वो भी 20% डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर अगर आप क्या है उसको एक्वायर करके आप बिजनेस कमेंस करते हो तो ये इनएलिजिबल माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अच्छा मैं ये बात इसके लिए एम्फेसाइज देना चाह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स एडिशनल डिप्रिसिएशन जहाँ पे वहाँ पे आपने देखा था एज वेल एज इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो 32AD में देखा था, वहाँ पे अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप एक्वायर करते हो तो वो इनएलिजिबल माना जाता है वहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट अलाउंस में। ये नहीं देखा जाता कि वो इम्पोर्टेड है या डोमेस्टिक है, बस सेकेंड हैंड अगर है प्लांट एंड मशीनरी इट इज डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाइड है। कहां के लिए मैं बात कर रहा हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। लेकिन जहां तक 35AD की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एलिजिबल माना जाता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अदर देन दैट अगर कोई डोमेस्टिकली सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करता है तो और उसके बदौलत आप बिजनेस को कमेंस करना चाहते हो तो जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो आपको बताया गया है वो 20% का बताया गया है, 20% के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। वो थ्रेशोल्ड अगर वो लक्ष्मण रेखा अगर आपने पार कर दी है वो आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट बिफोर आई गेट इनटू दिस केस स्टडी लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट था वो स्टूडेंट आपको पता ही है 73A का काफ़ी पॉपुलर सेक्शन है वो, जहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसकी लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करवानी है, स्पेसिफाइड बिजनेस की अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवानी है तो आपको अपनी ROI फाइल करनी पड़ेगी विद इन द ड्यू डेट ऑफ 139(1). ये पहला शर्त है। दूसरा है कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये कब तक ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जो तीसरा पॉइंट इसके लिए है वो यही है कि जब आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे लॉस को तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ और सिर्फ आप सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, हमने केस स्टडी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जरूरी नहीं है कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस हमारे हैं प्राइमरी उसका हमें 35AD का डिडक्शन में बनता हो। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है, वहां पे हमने केस स्टडी भी किया था। पॉसिबल है कि मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस तो होगा लेकिन वो जो कट ऑफ डेट है लाइक होटल का है 1/4/2011 उसके पहले का ये क्या है मैंने उसको कमेंस कर रखा है। तो मेरे पास एक होटल यूनिट है जो कि कमेंस हुआ है आफ्टर 1 अप्रैल 2011 और एक होटल यूनिट है जो कि कमेंस हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2011। तो जो होटल यूनिट मैंने स्टार्ट किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011 और उससे अगर मुझे लॉस आया है तो क्या वो लॉस मैं उस पर्टिकुलर होटल यूनिट जो कि कमेंस हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2011 क्या उससे मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूँ? एंड द आंसर इज बिल्कुल कर सकता हूँ,
क्योंकि दोनों ही मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। बस बात यही है कि एक क्योंकि कमेंस हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011, तो उसकी डिडक्शन मुझे मिल जाती है 35AD में इन रिस्पेक्ट ऑफ दी एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी को जिसको मैं एक्वायर करता हूँ। और जहाँ तक ये जो आपका 1/4/2011 के पहले वाला जो मैंने बिजनेस कमेंस किया है, उस बिजनेस में अगर मैं कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी को अक्वायर करता हूँ तो मुझे उसमें डिडक्शन नहीं मिलती है। बस यही फर्क है, अदरवाइज दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब स्टूडेंट जरा इस केस स्टडी की तरफ आते हैं, अबाउट दिस केस स्टडी। यहाँ पे देखना स्टूडेंट, 35AD में डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। केस स्टडी है, ए लिमिटेड हैज अ 5-स्टार होटल एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। फॉर इट्स होटल डिवीजन इट हैज परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹100 फॉर विच इट क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। सब्सिक्वेंटली मतलब डिडक्शन तो आपको मिल चुका था, सब्सिक्वेंटली दो दो में से कोई एक हुआ होगा, मतलब या तो आपने बेचा है उसको या फिर आपने उसे अपने कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे 35 में किया था ना, सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को भी मैंने क्या बेच दिया, और दूसरे केस में मैंने उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरीके से ये भी आप देख ले, या तो मैंने उसको बेचा होगा या फिर मैंने उसको इस्तेमाल किया हमारे दूसरे बिजनेस के लिए, जो मेरा एग्जाम्पल में कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है। सेल का प्राइस भी मैंने आपको दे दिया 80 एंड 120, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। अच्छा, कब बेचा है ये भी मैंने बताया, 2 साल के इमिजिएटली आफ्टर 2 ईयर्स या फिर इमिजिएटली आफ्टर 8 ईयर्स। अब एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये 8 ईयर्स का ना दिमाग में आपके दिमाग में ब्लॉक बना रहेगा, 8 साल का ये, इसको इसको निकालना जरूरी है। ये जो 8 ईयर्स का जो ब्लॉक है 35AD में, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है, वो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 ईयर्स का ब्लॉक स्टूडेंट्स वो उसके लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे क्या है कि SSC क्या करता है कि वो एसेट को अपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए वो एक्वायर करता है और उसे वो होल्ड करता है। तो अगर वो होल्ड करता है तो फिर तो आपको पाबंदी लगेगी कि 8 ईयर्स तक जो आपका होल्डिंग है एसेट पे, वो 8 साल के अंदर आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना है अदर देन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आपने होल्डिंग का ऑप्शन चुन रखा है तो फिर 8 ईयर्स तक आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना है अदर देन फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जहां तक अगर आपने बेच दिया एसेट को, बेचने पे नहीं है, होल्डिंग पर ध्यान रखना पाबंदी है कि 8 ईयर्स तक अगर आपने होल्ड करके रखा है और फिर आप विद इन दैट 8 ईयर्स अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं अदर देन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, तो फिर ये डिफॉल्ट है। जबकि अगर आपने बेचा है, चाहे आपने जब भी बेचा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने बेचा है तो स्पेसिफिक चार्ज 28(7) का लगता है। और ये जो 8 ईयर्स का जो अल्टीमेटली जो हम बात करते हैं ना, वो 35AD क्लॉज 7B, ये उसमें आप जाते हो, वो 8 ईयर्स में, जबकि मैं उसे होल्ड करके रखा हूं लेकिन अब मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं अदर देन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। जबकि अगर मैंने वो एसेट को बेचा है तो उसकी स्पेसिफिक चार्ज बनी है कहां पे, 28(7) में। तो बेचा है तो 28(7) में देखेंगे, तो 28(7) में क्या बोला गया, एनी सम रिसीव्ड, मतलब यहां तो ये भी नहीं देखा जाएगा कि जितना तक का डिडक्शन मैंने पहले लिया है उतना तक का ये सेल प्रोसीड को मानूंगा PGBP, और उससे जो एक्सेस अमाउंट होगा वो चला जाएगा CG में, ये सब चीज नहीं देखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे तो क्या बोला जाएगा, एनी सम रिसीव्ड शैल बी चार्ज ओनली अंडर द हेड PGBP, बात खत्म। चाहे जो भी अमाउंट मिला हो वो सिर्फ आपका चार्ज PGBP में ही माना जाएगा, 41 की तरफ आप देखोगे भी नहीं, 41 आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए था ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो लिखा ना यहाँ पे, एनी सम रिसीव्ड शैल बी चार्ज ओनली अंडर द हेड PGBP, therefore ₹80 और ₹120 will be charged under the head PGBP, whether the sale is after 2 or 8 years doesn't matter। और जो राइट हैंड साइड में है, प्लांट ट्रांसफर टू कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर्स में तो कोई होगा नहीं दिक्कत, लेकिन अभी आफ्टर 2 ईयर्स में देखना क्या हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च में मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स, वहां कोई ऐसी लॉक इन पीरियड तो थी ही नहीं, तो आप जब भी बिजनेस के लिए अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो आफ्टर यूजिंग इट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आप जब भी उसको ट्रांसफर करोगे फॉर बिजनेस पर्पस, तो वहां पे क्या था, कोई आपका पहले वाला डिडक्शन को रिवोक नहीं किया जाएगा,
और इसी वजह से डीम्ड इनकम निल होती है, लेकिन साथ ही साथ जो WDV है वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका निल होगा, क्योंकि मैंने आपकी डिडक्शन छीनी नहीं है, आई हैव नॉट टेकन अवे योर डिडक्शन इन दिस रिगार्ड। लेकिन जैसे यहां पे मैं अभी आपको बताऊंगा, आफ्टर 2 ईयर्स का केस है ये, आफ्टर 2 ईयर्स है, तो यहां पे क्योंकि 8 ईयर्स के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया, उसे इस्तेमाल कर लिया किसके लिए, फॉर अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो अब जो पहले वाला जो डिडक्शन है वो आपसे छीन लिया जाएगा और उससे आपकी डीम्ड इनकम बनेगी, और साथ ही साथ जो आपका जो ब्लॉक के अंदर एसेट जिस वैल्यू पे एंटर करेगा वो भी उसकी एक वैल्यू होगी, ना कि वो निल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे डीम्ड इनकम है, पहले वाला डिडक्शन को रिवोक किया जा रहा है, लेकिन कितना होगा, तो ₹100 है, डेट इज डिडक्शन क्लेम माइनस द नोशनल डिप्रिसिएशन, मतलब कि अगर हम आपको 35AD का डिडक्शन ना देते तो फिर ये बिजनेस के लिए हमें आपको 2 साल का तो डिप्रिसिएशन आपको वैसे मिल जाता, ये डिडक्शन मिला है इस वजह से हम डिप्रिसिएशन आपको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डिडक्शन नहीं होता तो कम से कम वो 2 साल के लिए तो एसएससी को डिप्रिसिएशन मिल जाता, तो ये दो सालों का नोशनल डिप्रिसिएशन आप इसे रिड्यूस कर रहे हो 15 and 12.75, ये दोनों को आपने रिड्यूस किया है, एंड देन फाइनली यू विल गेट द डीम्ड इनकम 72.25, ये वाला पॉइंट है। फिर आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट भी बनेगा आपका। अब एक्चुअल कॉस्ट किस तरीके से लाया जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन 14 to 43(1) इस तरीके से एक्चुअल कॉस्ट आपका बनेगा, विच वुड बी एक्चुअल कॉस्ट विच इज 100 rupees माइनस व्हाट, नोशनल डेप्रिसिएशन इफ द सेड एसेट वॉज यूज इन द कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग डिविजन राइट फ्रॉम द वेरी आउटसेट। इसका मतलब कि जिस बिजनेस में आपने उसे ट्रांसफर किया है, अगर उसी बिजनेस में अगर ये पहले से ही इसे अगर आप इस्तेमाल करते तो फिर कितना आपको डेप्रिसिएशन मिलता, तो लीजिए स्टूडेंट्स ईयर वन में देख रहे हो आप चमत्कार, डेप्रिसिएशन यहां पे नॉर्मल है और साथ साथ में एडिशनल भी मिलता, अगर आप जिस बिजनेस में आपने इस एसेट को ट्रांसफर किया है उस बिजनेस में अगर आप राइट फ्रॉम वेरी इंसेप्शन अगर आप उसे इस्तेमाल करते तो क्या आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाता था, एंड द आंसर इज यस। तो देखिए 32(1)(2) में 15 और 32(1)(2)(a) में 20 आपने रिड्यूस किया है, एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट्स ईयर 2 में फिर आपने डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2) 9.75 ये आप रिड्यूस करेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट योर एक्चुअल कॉस्ट। तो डिफरेंस देख रहे हो आप लोग, ऊपर में जब मैं डीम्ड इनकम ला रहा था तो क्या था, किस तरीके से डीम्ड इनकम लाई जाती है, कि जिस बिजनेस में मैंने इसे ट्रांसफर किया है, तो अगर ये बिजनेस में जिस जो स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर मैं डिडक्शन 35AD का नहीं लेता, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है अगर मैं उसमें 35AD का डिडक्शन नहीं लेता तो मुझे कितना नोशनल डेप्रिसिएशन मिलता, वो आप अमाउंट को रिड्यूस करेंगे, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जब आपको लाना है तो फिर उसमें जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें आप रिड्यूस करोगे वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको मिलता अगर आपने यही एसेट को इस बिजनेस में, किस बिजनेस की बात हो रही है, जिस बिजनेस में आपने इसको ट्रांसफर किया है उस बिजनेस में अगर आप उसे इस्तेमाल करते राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, तो उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना होगा, एंड फाइनली दिस वुड बी योर एक्चुअल कॉस्ट। तो देख रहे हो आप लोग, जो आपका डीम्ड इनकम है ना उतना आपका एक्चुअल कॉस्ट नहीं बना है, ये चीज आप खुद ही देख सकते हो। अच्छा, फाइनली आपने आफ्टर 8 ईयर्स किया है तब तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, और अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर जो आपने 35 में जो आपने पोजीशन ली थी कि वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, तो फिर उसमें आपका डीम्ड इनकम भी निल है और साथ साथ में आपकी WDV भी निल मानी जाएगी, तो वही सेम पोजीशन यहां पर भी बनेगा जो 35 में आपने लिया है, तो यही चीज मैंने यहां पर भी आपको नोट करके लिख दी है। सो दिस इज व्हाट 35AD इज ऑल अबाउट। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो वीडियोज हम बना रहे हैं ना आपको, तो ये वीडियोज आपके एग्जामिनेशन के लास्ट डे रिविजन वाले वीडियोज है एक तरीके से समझ लेना, तो आप लोग जब भी अभी आप देख रहे हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो कि जब आपको अगला, क्योंकि स्लाइड भी अभी आपके पास है, आपको लेकिन लगता है कि हाँ भाई 35AD का मुझे पॉइंट एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, तो आप वो जो टाइम पे 35AD शुरू हो रहा है ना, तो नोट करके रखना हमारे जो वीडियोस पे, आप उतना ही एरिया फिर आगे रिवाइज करना, बाकी तो स्लाइड से आप क्विकली गो थ्रू करके रैप अप कर सकते हैं, तो क्या होगा आपकी बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन, क्योंकि देखो अब कम टाइम में बहुत ही डिसाइसिव रिवीजन आपको लेनी है और इंटरलिंक बहुत खूबसूरत तरीके से आपको मैनेज करना है प्लस सॉल्व करना है काफी चीजें प्रैक्टिकल एरिया को भी लेके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी टाइम मैनेजमेंट इज द की फैक्टर स्टूडेंट्स, और यही वजह से
टाइम जरा नोट करके चलना जो यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ कि किस टाइम पे आप ये वीडियो को क्लिक करेंगे, बाकी तो आपके पास स्लाइड ये मौजूद होगा ही होगा। डिडक्शन ऑफ अदर कैपेक्स, इसके अलावा 35 एंड 35 एडी के अलावा तो 35 सीसीडी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या, तो उसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, बिल्डिंग और लैंड दोनों को इन एलिजिबल माना गया फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और एनी अदर एक्सपेंडिचर, कैपेक्स हो या रेवेन्यू हो, डजंट मैटर, 150% आपको मिल जाएगा। तो कैपेक्स में तो वैसे आपका प्लांट ही रह गया है। अच्छा, और एक है आपका 35CCC नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे एनी एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू दोनों पे 150% है, यहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कैपेक्स होने के बाद अगर आप अपने चार्ट में देखोगे तो हमारे सीक्वेंस में आता है दी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, और उस प्रॉफिट लिंक डिडक्शन में आपको ये 10AA, ATIA और ATIB। पहले जरा फॉर्मेट पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, टोटल इनकम वेयर SSC हैज 10AA यूनिट, जहाँ पे SSC के पास 10AA यूनिट है वो पहले हम लोग उस पर गौर करेंगे। तो PGPP देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल तरीके से SEZ यूनिट वालों का आप PGPP बनाओगे, नॉन SEZ वालों का बनाओगे वो आपका फिर टोटल आप करके उस पूरे PGPP का हेड आपको बाहर लेना है आउटर कॉलम में। फिर अदर हेड्स के इनकम के भी डेटा अगर होंगे तो वो लेंगे आप, जिससे आपको GTI आ जाए, फिर चैप्टर 6 से फिर टोटल इनकम बिफोर 10AA। इस तरीके से देखो फॉर्मेट, मैंने पहले इसके पहले पार्ट ए वाले क्लास में भी उस पर ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि इनके सारे प्रोबेबिलिटी टोटल इनकम की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 10AA ये आपका बनेगा, माइनस फ्रॉम दिस द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ये आप इसको इसके साथ रिड्यूस करेंगे। अब जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो ध्यान रखना आप लोग कि 100% आप हो लेंगे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड 50% फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इफ द SSC इज डिपॉजिटिंग द मनी इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट। आपको एग्जामिनेशन में बस देखना है कि वो SEZ यूनिट किस साल स्टार्ट हुआ, कमेंस किया अपना ऑपरेशन, और देखना है कि ये प्रीवियस ईयर 1920 ये कितने साल में फॉल हो रहा है, उसी हिसाब से आपको परसेंटेज डिटरमाइन करनी है। और आप उसको अप्लाई करोगे परसेंटेज को किस पे, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट ओनर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। पहले अब इसको फ्रीज करेंगे फिर आपको मिल जाएगा आपका टोटल इनकम, ठीक है। राइट हैंड साइड में एक बार जरा आना, टोटल इनकम फॉर अदर प्रॉफिटिंग डिडक्शन जो ATIA, ATIB, ATIAC जो कि आपके SEZ यूनिट, सॉरी स्टार्टअप यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में ATIAC में मिलता है, जिसमें 7 साल का विंडो है आपको, और उस 7 साल में कोई भी 3 consecutive years के लिए आपको क्या डिडक्शन लेनी है, तो वो ATIAC का भी एक है। तो उसमें स्टूडेंट्स नोटिस करना है यहाँ पे PGBP, ATIA, ATIB का जो होगा वो आप अलग से कंप्यूट करेंगे, नॉन ATIA यूनिट का वो भी अलग से होगा, तो आपको फिर कंबाइंड PGBP मिल जाएगा। तो PGBP तो आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है, दिक्कत यहाँ पर कुछ नहीं है। अदर हेड्स के इनकम आएंगे, GTI आ जाएगा, फिर GTI में चैप्टर 6 से, फिर GTI में आपने चैप्टर 6 से करना है, और फिर चैप्टर 6 में जो डिडक्शन दोगे इस सेक्शन में 100% या 25% ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। आप इसमें मत उलझना कि भाई 100% होगा या 25% होगा, आपको एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो आप 100% के हिसाब से चलेंगे। ये आपको किस पे अप्लाई करना है, ऑन द क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट इसका क्या है, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। अच्छा, आप 10AA और इसमें नोटिस करना फर्क आपको दिख रहा है, देखिए समानता तो काफ़ी है लेकिन जो फर्क है ना वो यही है कि 10AA में हम एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ये प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं किस पे, ऑन द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द SEZ यूनिट, ये प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपने नोटिस करना, और लॉजिकल भी है ना क्योंकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो तो है आपका किस कॉन्टेक्स्ट में, एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी पे जो वो जोर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या है, अमाउंट रियलाइज्ड इन दी फॉरन करेंसी बाई दी SEZ यूनिट विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जो भी अमाउंट वो रियलाइज करेंगे इन फॉरन करेंसी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वो अमाउंट है, और उससे माइनस आप करेंगे टेलीकॉम फ्रेट इंश्योरेंस FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया, उसको इससे माइनस करना है। अब आप नोटिस करना फ्रेंड्स, ये 6 months वाला पीरियड नाबार्ड के लिए भी आया था, 33AB भी हमने किया था पार्ट ए में, तो उसमें भी आपको पैसे जमा कर देना है नाबार्ड में विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, ये वहाँ पर हमने चर्चा की थी। यहाँ पर भी अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर जो लेंगे कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर पर्पज़ के लिए, वो रियलाइज्ड एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा, और ये आपको रियलाइज कर देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर।
अच्छा, उस रियलाइज एक्सपोर्ट टर्नओवर में से आप जो निकालोगे क्या निकालेंगे? रियलाइज्ड टेलीकॉम फ्रेट इंश्योरेंस FTS आउटसाइड इंडिया। ये रियलाइज्ड बेसिस पे ही जो टेलीकॉम होगा, फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, FTS आउटसाइड इंडिया, वो रियलाइज्ड अमाउंट ही आप क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे और फिर आपको अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर मिल जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो रियलाइज्ड अमाउंट होगा फॉरेन करेंसी का, उससे ही आप ये रियलाइज्ड अमाउंट, एक क्वेश्चन भी हमने किया था उस कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको पता ही होगा, तो रियलाइज टू रियलाइज ही कटेगा। ठीक है, टोटल टर्नओवर ऑफ द SEZ यूनिट में तो आप ग्रॉस टर्नओवर लेते हैं और ये SEZ का ही लेकिन लेंगे, दूसरे नॉन एलिजिबल यूनिट का मत ले लेना, सिर्फ SEZ का ही लेंगे आप लोग टोटल टर्नओवर, विच विल देयरफॉर इंक्लूड एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज द डोमेस्टिक टर्नओवर। जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो रियलाइज बेसिस में अब लिया नहीं जाएगा, टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट ओनर विल नॉट बी द रियलाइज्ड अमाउंट, इट विल बी द नॉर्मल, जो भी एक्सपोर्ट ओनर का डेटा दिया गया है वो, और उस डेटा में से जो टोटल टर्नओवर है आपका उसमें से आप एक्सक्लूड करोगे क्या? टेलीकॉम फ्रेट इंश्योरेंस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया और साथ ही साथ में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि डोमेस्टिक टर्नओवर भी हिस्सा होता है टोटल टर्नओवर का, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आप उसे एलिमिनेट करके चलेंगे। दैट इज हाउ द टोटल टर्नओवर विल बी एक्सक्लूजन ऑफ ऑल दीज आइटम्स। तो इसमें स्टूडेंट्स, अच्छा, टोटल टर्नओवर में रियलाइज्ड बेसिस नहीं, अक्रूड बेसिस का जो टेलीकॉम फ्रेट इंश्योरेंस FTS आउटसाइड इंडिया एंड द ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो अक्रूड बेसिस पे होगा, क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर रियलाइज्ड बेसिस पर है, टोटल टर्नओवर आपका अक्रूअल बेसिस पर ही लिया जाएगा। तो ये तो था बात आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो कॉमन फ्रेज है, जो कि ATIA, ATIB और जो 10AA वाले जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन में जो कॉमन फ्रेज आपको मिलेंगे, हर प्रॉफिट लिंक डिडक्शन में कॉमन फ्रेज क्या होगा कि प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। तो ये जो डिराइव वर्ड है ना स्टूडेंट्स, डिराइव वर्ड, ये काफी नैरो वर्ड है और इसको ये केस स्टडी के द्वारा काफी अच्छे से दर्शाया गया है। डिराइव वर्ड इज मच नैरो टर्म एज कंपेयर टू द टर्म एट्रीब्यूटेबल। तो एट्रीब्यूटेबल से अगर हम कंपेयर करें तो जो वर्ड डिराइव्ड है वो काफी नैरो टर्म माना जाता है। तो अगर ये केस स्टडी को ही अगर फोकस किया जाए तो देखो क्या मिलता है आपको। बैंक डिपॉजिट SSE ने किया था जिसकी वजह से वो बैंक गारंटी फर्निश कर पाया, जिससे उसको बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और फिर वो बैंक गारंटी, वो बैंक डिपॉजिट जो उसने किया उससे इंटरेस्ट इनकम आ गई, कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिजनेस शुरू हुई, और वो बिजनेस क्या था आपका? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपने चालू कर दिया, फिर आगे जाके गुड्स बन गया, आगे आप ट्रांसपोर्ट करते हो टू द पॉइंट ऑफ सेल या फिर एक्सपोर्ट, तो वो आपने ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगा और आपने आगे सेल कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया आगे, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले होंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, तो ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का भी आपको बेनिफिट मिला है। तो ये जो इनकम जो आपने कमाया है, इंटरेस्ट इनकम हुआ है या फिर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हुआ है या फिर जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हुआ है, तो ये सारे इनकम ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सारे इनकम PGBP में चार्ज है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, किस हेड में ये चार्ज होगा? सारे के सारे, इंटरेस्ट इनकम से लेके ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो या ड्यूटी ड्रॉबैक हो। इंटरेस्ट इनकम में तो एक केस लॉ भी है दिल्ली हाई कोर्ट का, KN को, जिसके बेसिस पे वो क्या है, PGBP में चार्ज की जा रही है। बाकी अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में, यहाँ पर भी इसको PGBP में चार्ज किया जाएगा। जहां तक ड्यूटी ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो वो भी PGBP में ही उसे चार्ज करेंगे, लेकिन उस पर स्पेसिफिक चार्ज है, अलग बात है। जो चार्जेबिलिटी ड्यूटी ड्रॉबैक की बनी है, दैट इज अ स्पेसिफिक चार्ज, इजंट इट? तो PGBP में उसको चार्ज किया गया। नाउ अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर टू में, वेदर इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड, जैसे बताया गया ना, प्रॉफिट डिराइव काफी एक नैरो टर्म है, वेरी रिस्ट्रिक्टेड टर्म, और क्योंकि ये काफी अपने आप में एक नैरो टर्म है, इस वजह से प्रॉफिट डिराइव में भले ही ये इंटरेस्ट इनकम क्यों ना PGBP में आप उसे क्लासिफाई कर लोग, लेकिन प्रॉफिट डिराइव जब आप कंप्यूट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, तो PGBP के हेड में तो ये इंटरेस्ट इनकम जाएगा, PGBP के हेड में तो ड्यूटी ड्रॉबैक जाएगा जब हेड की कंप्यूटेशन होगी, लेकिन जब डिडक्शन की बारी आएगी और उस डिडक्शन के लिए जब हमें प्रॉफिट डिराइव कंप्यूट करना होगा, तब हमें ये इंटरेस्ट इनकम और ये ड्यूटी ड्रॉबैक, ये इंसिडेंटल बिजनेस इनकम को बाहर निकालने पड़ेंगे, और जो रह जाएगा क्या रह जाएगा? द प्रॉफिट विच इज डिराइव्ड। तो कहने का मतलब है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेके पॉइंट ऑफ सेल तक जो भी आपके एलिमेंट्स जो बनते हैं उसी के आधार पे प्रॉफिट डिराइव बनेगी, और इसी वजह से जो इंसिडेंटल इनकम है वो आपके प्रॉफिट डिराइव से बाहर हो जाएंगे और उतना ही अमाउंट का आपको डिडक्शन दिया जाएगा
आइदर 100% या जो भी परसेंटेज एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने डिराइव के लिए लिखा है। प्रॉफिट के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, 2A पहले देखो। सो प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन इज द कॉम्प्यूटेड प्रॉफिट, तो ये अपने आप पे कॉम्प्यूटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन इज द कॉम्प्यूटेड प्रॉफिट, therefore where the profit of the eligible business is enhanced on account of disallowance under section 40A2 or 40A3 etc, then on such enhanced profit the deduction shall be allowed. तो ये जो profit है जो तय किया जाएगा, तो इस context में ये computed profit ये होगा, और इस वजह से जब हम compute करते हैं तो disallow होता है। disallow होने से आपकी profit बढ़ जाएगी उस eligible business की, और अगर बढ़ती है तो फिर वो इंक्रीज प्रॉफिट पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरी बात, ये क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स ये जो एलिजिबल यूनिट है, हो सकता है कि एसएससी कंपनी जो है उसके पास दूसरा डिवीजन है जो कि इनएलिजिबल बिजनेस में अपने आप को एंगेज किया है, जिसको एटीआई है या कोई प्रॉफिट लिंक डिडक्शन नहीं मिलता है, या फिर वो जो एसएससी कंपनी है उसकी एक सिस्टर कंसर्न है से सब्सिडरी कंपनी है जिसके साथ उसकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी चल रही है। तो क्योंकि एक डिवीजन को ऑफ द एसएससी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन मिल रहा है, इस वजह से उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखा हुआ है क्या कि अगर वो अपने नॉन एलिजिबल यूनिट के साथ या अपने सिस्टर कंसर्न के साथ या क्लोज एसोसिएट्स के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बाइंग का हो या सेलिंग का हो चाहे जो भी हो, आपको वो ट्रांजैक्शन को वैल्यू करना पड़ेगा एज पर द फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू का बेसिस बनेगा वैल्यूएशन का, और उस बेसिस के आधार पे जो भी आपको फिर नेट इफेक्ट देना पड़े उस एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट कंप्यूटेशन में, भले ही वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपको उसी के आधार पे क्या करना पड़ेगा, उसकी एफएमवी उसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन। तो प्रॉफिट डिराइव में आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन विद होम द ट्रांजेक्शन विद द क्लोज यूनिट नॉन एलिजिबल यूनिट और क्लोज एसोसिएट्स के साथ अगर आपका हुआ है अदर देन दी एफएमवी, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, डजेंट मैटर, जो भी है आपको फिर वो प्रॉफिट लानी पड़ेगी एज पर दी एफएमवी। किसकी प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, एटीआई यूनिट की, एटीआईबी यूनिट की, एलिजिबल यूनिट्स की हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इस पे तो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान दोहरा रहा हूँ। और आखिरी में द कंसेप्ट ऑफ द लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन का कंसेप्ट क्या है, जिस जब देखो एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो डिडक्शन है ये एक विंडो में मिलता है आपको, जैसे कि एटीआईए एटीआईबी की अगर हम बात करें तो 15 साल का 20 साल का विंडो है जिसमें से 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आप चुन सकते हो, 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आप चुन सकते हो, लेकिन जो भी साल आप स्टार्ट करोगे तो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आपको डिडक्शन बनेगा। ATIAC अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको 7 ईयर्स का विंडो है, वहाँ पे 7 साल का विंडो है, और उसमें से कोई भी 3 consecutive years आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी, 3 consecutive years की आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। तो अब आप नोटिस करना यहाँ पे क्या है कि जब भी आपने डिडक्शन शुरुआत कर दी है तो एक लीगल फिक्शन इस सेक्शन में तैयार हो जाता है वो 10 consecutive years के लिए या फिर वो 3 consecutive years के लिए एज द केस में भी। वो लीगल फिक्शन क्या है, as per that legal fiction the eligible your undertaking of the SSC shall be considered as the only business of the SSC. to ye maan ke liya jayega ki jab bhi hum ye profit compute karenge deduction purpose ke liye to SSC ka wo jo eligible undertaking hai wo SSC ka iklauta undertaking hai. ab uska impact students ek comprehensive case study ke dwara main aapko de raha hu, to let's first read this one out. in determining the profit फॉर दी पर्पज ऑफ डिडक्शन, तो ये लीगल फिक्शन ध्यान रखना नॉर्मल PGBP की कॉम्पिटिशन के लिए नहीं लिया जाता, ये जो लीगल फिक्शन है वो हम उसे इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ वॉट द कॉम्पिटिशन ऑफ द एलिजिबल अमाउंट और द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस, उस प्रॉफिट की कॉम्पिटिशन के लिए ये लीगल फिक्शन अपनाया जाता है। सो इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन the eligible undertaking shall be considered as the only undertaking of the SSC. ठीक है, अब इसका जरा impact, ये मैंने case study सभी batch regular capsule और revision batch में करवाया था, एक बार जल्दी से इसको एक बार recap कर लेते हैं। तो year one में देखो इसकी profit है 100 की ATI unit की PGBP, non ATI unit का 50 है,
आईएफओएस जो है इसका 10 है, तो जीटीआई का पूरा टोटल ले लेंगे आप 160, तो जीटीआई तक तो आपको नॉर्मल तरीके से चलना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे आप। चैप्टर 60 की डिडक्शन है तो पूरा 100 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनकम 60, सेकेंड ईयर देखना क्या है स्टूडेंट्स, -20, नॉन एटीआई 100, आईएफओएस 10, जीटीआई 90। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि जब जीटीआई तक तो आप नॉर्मल तरीके से ही पहुँचोगे, तो एक एटीआई यूनिट जो है उसका नॉन एटीआई यूनिट के साथ क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? बिल्कुल है, कोई स्पेकुलेटिव या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस तो नहीं है जहाँ पे पाबंदी लगा दी हो, इज़न्ट इट? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जीटीआई तक तो नॉर्मल तरीके से आएंगे, लेकिन जब हम एटीआई या एटीआई बी या 10AA का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब ये सारे लीगल फिक्शन हमें अपनाने पड़ते हैं। लेकिन ईयर टू में तो हमें वो भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये एटीआई यूनिट तो वैसे ही नेगेटिव चल रहा है, तब तो कोई डिडक्शन इसका बनेगा ही नहीं, तो जो जीटीआई है वही फाइनली इसका क्या होगा, टोटल इनकम बनेगा। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स गौर करेंगे आप लोग, थर्ड ईयर गौर करने लायक होगा क्या है इसके अंदर, जरा ध्यान से देखना। तो ईयर थ्री में स्टूडेंट्स नोटिस करें कि इसके पास अब एटीआई ए का 100 है, दैट इज वन। सेकेंडली आपके पास नॉन एटीआई का 20 है। एक चीज नोटिस करना कि कोई ब्रॉड फ्रॉड लॉस ईयर टू का नहीं है। तो अब ये ईयर थ्री में 100 है एटीआई ए का, नॉन एटीआई ए का 20 है, आईएफओएस का 5 है, जीटीआई अगर आप टोटल ले लें तो 125 हो जाएगा, नॉर्मल है। अच्छा, जब चैप्टर 60 की रिडक्शन होगी और उसमें जब प्रॉफिट कंप्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट डिराइव बाय द एलिजिबल अंडरटेकिंग, तो उस प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में अब ये लीगल फिक्शन अप्लाई होगा, जिस लीगल फिक्शन के द्वारा आप क्या करोगे, ये जो 20 का जो है ब्रॉड, ये जो लास्ट ईयर का जो लॉस है एलिजिबल यूनिट का, उसको आप सेट ऑफ करोगे विद व्हाट, विद द एटीआई यूनिट। यही आप कर रहे हो ईयर थ्री में, इजंट इट? ईयर थ्री में तो यही सेट ऑफ हो रहा है प्रॉफिट। अच्छा ध्यान रखना, ब्रॉड फॉर लॉस ऐसे इसका कुछ है ही नहीं तो जीटीआई तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं प्रॉफिट डिराइव, जब मैं प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा फॉर दी पर्पस ऑफ डिडक्शन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लीगल फिक्शन अप्लाई करना होगा, और वो लीगल फिक्शन अप्लाई करके अब आप खुद देख सकते हो कि अब आपका जो एलिजिबल प्रॉफिट है फॉर दी पर्पस ऑफ डिडक्शन वो रिड्यूस हो जाता है कितने तक, 80 तक, एंड देयरफॉर डिडक्शन आपका 80 तक है 100% के रेट के हिसाब से, और 45 टोटल इनकम। ईयर फोर में है आपका एटीआईए 100 है, नॉन एटीआईए 10 नेगेटिव है, आईएफओएस 20, जीटीआई 110। अब आप नोटिस करें 90 का डिडक्शन। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो यहां पे स्टूडेंट्स यही आता है कि अगर मैं लीगल फिक्शन के हिसाब से अगर चलूं तब तो बात सही है कि 100 की डिडक्शन बननी चाहिए, लेकिन ये भी तो बात सही है स्टूडेंट्स कि ये जो डिडक्शन आप दे रहे हो वो एटीआईए एटीआईबी का दे रहे हो, और ये डिडक्शन जो दिया जाता है वो चैप्टर 6A के अंदर है। चैप्टर 6A का जो डिडक्शन बनता है वो जीटीआई में बनता है, तो फिर बताइए जीटीआई में एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस इंक्लूडेड इन द जीटीआई, तो कितना तक का एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट रह गया है इन द जीटीआई। तो जैसे मैंने कहा ना कि जीटीआई तक तो आपको नॉर्मल तरीके से चलना है, और इसी नॉर्मल तरीके से चलने की वजह से क्या हो जाता है, आप ये 100 का जो एटीआई का जो आपका प्रॉफिट है वो 10 के साथ सेट ऑफ हो जाता है एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन इन कॉम्प्यूटिंग योर जीटीआई। क्योंकि ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आप इंट्रा हेड, इंट्रा का मतलब है विद इन दी हेड सेट ऑफ का एप्लीकेशन करके फिर फाइनली आप आते हो जीटीआई की तरफ, और यही वजह है कि जीटीआई में इस एलिजिबल बिजनेस का जो प्रॉफिट है दैट इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू ₹90, और इसी वजह से भले ही लीगल फिक्शन के हिसाब से मैं चलूं तो 100 का बनता है, लेकिन ये प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस इंक्लूडेड इन जीटीआई इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू ₹90, और इसी वजह से डिडक्शन भी उतना ही सीमित रह जाएगा 90 तक का। ईयर फाइव में नेगेटिव 10 है आपका, -20, तो कोई डिडक्शन आपका बनना नहीं है नेगेटिव फिगर की वजह से। अब ईयर सिक्स में ध्यान रखना, तो 100 है 10 है नॉन एटीआई का, आईएफओएस 20 है, और जीटीआई आपका 100। ये 100 कहाँ से आ गया, आपको स्टूडेंट्स सेट ऑफ तो करने ही पड़ेंगे, लॉसेस को सेट ऑफ क्या करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो जीटीआई जब आप आओगे तो आपका 100 उस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके ब्रॉड फॉर लॉसेस 30 है, और इस वजह से
आपके जो ब्रॉडफोर्ड लॉस है वो पीजीबीपी, ध्यान रखना कि जो ब्रॉडफोर्ड लॉसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको सेट ऑफ दे सकते हो ओनली फ्रॉम योर बिजनेस इनकम। ब्रॉडफोर्ड लॉस की बात हो रही है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसी वजह से ये ब्रॉडफोर्ड लॉस आप इससे सेट ऑफ करोगे, और फाइनली आपको ये सेट ऑफ करने के बाद अब आप मुझे बताओ कि एलिजिबल बिजनेस का जो लीगल पे, ये पहले बताओ कि लीगल फिक्शन के हिसाब से अगर मैं चलूं, लीगल फिक्शन के हिसाब से चलूं तो कितना का प्रॉफिट का डिडक्शन मुझे बनेगा? 90 का, दैट इज 100 माइनस 10। तो ये आप एडजस्ट करके आपका 90 का क्या होता है, ये आपका बनता है दी क्वालिफाइंग अमाउंट। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे कहूं कि हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस इंक्लूडेड इन द GTI, तो GTI के अंदर इस एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट कितना रह गया है? ओनली अप टू ₹80। ये कैसे हुआ है? तो आप खुद देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन ATIA यूनिट का 20 है नेगेटिव और आपका ATIA का 10 है नेगेटिव। एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, जो जब आप लॉस को सेट ऑफ करते हो तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो होगा वो किसी भी बिजनेस के साथ क्या है, वो एडजस्ट कर सकते हो आप। ये नियम है 72(2) का, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। और अगर यही बात है तो मैं तो चाहूंगा कि पहले मैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो मैं किससे सेट ऑफ करूं, नॉन ATIA यूनिट के प्रॉफिट से सेट ऑफ करूंगा। ऐसा क्यों मैं करना चाहूंगा? क्योंकि ऑब्वियस है कि मुझे बचा के रखना है हमारे प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल यूनिट को, ताकि उसका योगदान GTI में ज्यादा रहे। अगर उसका योगदान GTI में ज्यादा होगा तो डेफिनेटली डिडक्शन मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो 30 में से पहले तो मैं जो ब्रॉडफोर्ड लॉस है 30 में से वो पहला मैं क्या करूंगा, उसको सेट ऑफ करूंगा विथ नॉन ATIA बिजनेस प्रॉफिट GTI लाने के लिए। तो 10 ही है, तो पूरे तो है नहीं, तो 10 को मैंने सेट ऑफ किया, बचा 20। 20 को मैं अब 100 से सेट ऑफ करूंगा तो 80 बच गया है PGBP का इनकम। 20 आपका IFO है तो GTI आपका 100 है। 100 में आप बताओ कि इसका योगदान कितना है, ATI यूनिट का योगदान कितना है? 80 का, ठीक है। तो 80 बनता है प्रॉफिट। अच्छा, अब लीगल फिक्शन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो लीगल फिक्शन जो है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट, उसमें कितना प्राइमरी आपका प्रॉफिट बनेगा? 90 का। लास्ट ईयर का 10 का लॉस को अगर मैं इस करंट ईयर के 100 के प्रॉफिट से एडजस्ट करूं तो 90 बनेगा। तो डेफिनेटली जो आपका डिडक्शन है वो कैन नॉट एक्सीड एक्सीड व्हाट द प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस व्हिच इज इंक्लूडेड इन द GTI। तो इसी वजह से 80 तक का डिडक्शन रह जाएगा और फाइनली आपकी टोटल इनकम 20। तो ये दांव पेज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ICAI ने इस पे पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में तो एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, ध्यान रखना ATIBA, ये एक नया प्रोविजन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है FA19 में। तो ये है फॉर डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जो होंगे स्टूडेंट्स ये अप्रूव्ड हैं बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर 1 जून 2016, लेकिन बिफोर 31 मार्च 2020। तो ये लास्ट ईयर चल रहा है, अप्रूवल की बात हो रही है। द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ये जब भी अप्रूव हुआ होगा ये प्रोजेक्ट उसका 5 साल तक उसकी कंप्लीशन हो जानी चाहिए। ये ध्यान रखना अगला कंडीशन, कार्पेट एरिया ऑफ द शॉप्स एंड द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द एग्रीगेट कार्पेट एरिया। तो ये कहने का मतलब है जैसे कि हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में चली गई है, और रीडेवलपमेंट में जाके क्या होता है कि बिल्डर वो 3 माले की बिल्डिंग को 10 माले बना देता है, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना वो उसको शॉप्स में उसको बदल देता है, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू शॉप्स। तो ऐसे केस में इन्होंने ये बोला है कि जो शॉप और कमर्शियल एरिया होगा उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में दैट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल कार्पेट एरिया। तो ये भी कंडीशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लो एंड मीडियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए ये इंसेंटिव दिया गया है। इसी वजह से जो अगला कंडीशन है SDV ऑफ द हाउस शुड नॉट गो बियॉन्ड 45 लाख्स। तो ये भी ये कंडीशन उसी के साथ है कि ये जो लो एंड मीडियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं उस पे एक इंसेंटिव देने की कोशिश की गई है टू द डेवलपर, और उसी वजह से ये 45 लाख्स का थ्रेशोल्ड रखा गया, SDV शुड नॉट गो बियॉन्ड 45 लाख्स। हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर ये कंप्लीट 5 सालों के अंदर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो डिफॉल्ट माना जाएगा। तो हुआ ये होगा कि भाई से 6th ईयर में कंप्लीट हुआ है तो क्या होगा इसमें, कि मैंने पहले 5 सालों में जो मेरी प्रॉफिट बनी होगी उसका तो मैंने डिडक्शन लिया होगा, और अगर मैंने डिडक्शन लिया है तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये डीम्ड इनकम बनेगा। डीम्ड इनकम क्या होगा, फॉर ऑल दीज ईयर जो मैंने डिडक्शन लिए हैं उस डिडक्शन को हम डीम्ड इनकम मानेंगे इन विच ईयर, 6th ईयर जिस साल में ये डिफॉल्ट हुआ है।
सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो आपको पता है। उसमें 70 एंड 71 है, 70 स्टूडेंट्स, अब ये नोटिस करना 70 और जो 71 है वो करंट ईयर लॉस के लिए है। सो दिस 70 एंड 71 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द करंट ईयर लॉस। 70 में इंट्रा एडजस्टमेंट है, अब उसमें क्या पाबंदियां हैं वो आपको बताया गया कि भाई पीजीबीपी में इंट्रा हेड को लेके क्या पाबंदियां हैं वो तरीके से। एक बार आपका लॉस 70 में पूरी तरह से, कहने का मतलब है इंट्रा हेड में पूरी तरह से वो अगर एडजस्ट ना हो पाए तो जो अनअब्जॉर्ब लॉस है, जो लॉस अनअब्जॉर्ब्ड है, उससे आप क्या करेंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो उस वजह से अब इंटर हेड जब करेंगे आप एडजस्टमेंट 71 में, तो वहां पर भी कुछ अपनी पाबंदियां हैं जैसे जो मैंने लिख के दिया है। तो ये चीज़ें तो अभी आप स्लाइड में ही देख लेना, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको बता रहा हूँ। और बाद में अगर इंटर हेड होने के बावजूद भी अभी भी करंट ईयर का लॉस, करंट ईयर का लॉस, ध्यान से सुनना इसको, करंट ईयर का लॉस अगर अनअब्जॉर्ब है तो फिर आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। और ध्यान रखना ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा था ना, ये देखो लाइन में, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ द सेम हेड सब्जेक्ट टू द इंट्रा हेड रिस्ट्रिक्शन। तो पुराने लॉस जो होंगे वो सिर्फ सेम हेड में ही क्या होंगे, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू व्हाट, जो भी इंट्रा हेड के, क्योंकि सेम हेड की बात हो रही है तो इंट्रा हेड की बात हो रही है, तो इंट्रा हेड के जो भी रिस्ट्रिक्शन आपने 70 में पढ़े थे वही सेम यहाँ पर लागू होगा। जिसके स्पेशल प्रोविजन है जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना वो क्या होगा, एक यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था क्लास में भी, वो यही था कि लॉस ऑफ वन पर्सन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ बाय अनदर पर्सन। मानते हो ना इस बात को, मेरा लॉस मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा, क्या इस जनरल प्रिंसिपल का कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे एक पर्सन का लॉस दूसरे पर्सन को शिफ्ट किया जा सकता है? तो वो है आपका स्टूडेंट 72A। नौ पिछले टाइम में वैसे पूछ लिया गया था 10 मार्क का, बिल्कुल नवंबर 2010 के तरीके से है, तो इस बार चांसेस कम लग रहा है। अमालगमेशन, डीमर्जर और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये 72A का प्रोविजन है। इसमें बस एक ही चीज़ आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट, बिजनेस लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अमालगमेटिंग कंपनी का जो बिजनेस लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, दी अमालगमेट कंपनी। लेकिन उसमें एक ही कंडीशन डाला गया, वो क्या कंडीशन है कि ये जो बिजनेस लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड करेगा कौन, बाय दी अमालगमेटेड कंपनी, दैट विल नॉट इंक्लूड द स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय दी अमालगमेटेड कंपनी। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अमालगमेटिंग कंपनी का कोई अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, तो क्या वो अमालगमेटेड कंपनी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बाय द वे, कितने पीरियड के लिए वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? जैसे कि कहा गया है कि उसके लिए कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। स्पेसिफाइड लॉस जो आपको पता है 73A का, अराइजिंग फ्रॉम दैट 35AD बिजनेस, तो वहाँ पे तो कोई उसकी समय सीमा है ही नहीं, ठीक है। तो वो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। UAD भी जो होगा ध्यान रखना अमालगमेटिंग कंपनी का, वो भी क्या है, आगे अमालगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। अच्छा, इसमें एक और एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर UAD को कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर सकते हो, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, अनअब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च लॉस, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरा है अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो क्या ये भी उसी तरीके से ट्रीट की जाएगी जैसे कि UAD ट्रीट की जाएगी? एंड आंसर इज यस। तो हो सकता है कि वो UAD ना दे के आपको ये दो डेटा दे दे, ठीक है, और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ इन अमालगमेटिंग कंपनी के पास ये दो चीजें हैं, तो क्या वो अमालगमेटेड कंपनी ले पाएगा? एंड आंसर इज यस। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस लेकिन अमालगमेटिंग कंपनी का अमालगमेटेड कंपनी नहीं ले सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 72A का पॉइंट है, चांसेस कम है, लास्ट अटेम्प्ट में वैसे 10 मार्क का पूछ लिया था। दूसरा है जो कि स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है जिसपे एक पर्सन का लॉस दूसरे पर्सन को आप शिफ्ट कर सकते हो, वो है 78(2) के अंदर। 78(2) में स्टूडेंट सक्सेशन ऑफ बिजनेस थ्रू इनहेरिटेंस की बात रखी गई है। व्हाट एग्जैक्टली दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट, तो मान के चलो कि फादर है, फादर के डेथ होने पर क्या हो जाता है कि उनके जो बिजनेस है वो आगे, उनके जो दो सन है तो वो आगे उसको कैरी करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्म अपने साथ, वो क्या करते हैं, दोनों जन पार्टनरशिप फॉर्म बना के वो बिजनेस को आगे कैरी करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बिजनेस है विच वॉज रन अर्लियर बाय अ सोल प्रोप्रेटरी कंसर्न, जो बिजनेस है विच वॉज रन अर्लियर बाय अ सोल प्रोप्रेटरी कंसर्न इज नाउ सक्सीडेड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। लेकिन क्या ये जो सक्सेशन है
सक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या देखना है कि क्या ये सक्सेशन जो हुआ है इज इट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इज इट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसके लिए मैंने इनहेरिटेंस को कैपिटल में लिखा है, इज इट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और अगर आप कहते हो कि हाँ इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो लॉस ऑफ दैट पर्सन कैन बी टेकन ओवर और कैरी फॉर्ड बाय द सक्सेसर, जो भी रिमेनिंग पीरियड होगा उसके लिए वो लॉस कैरी फॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे एग्जाम्पल में फादर के डेथ पे ये जो सक्सेशन हुआ इनके बिजनेस का, और ये जो उनके जो एग्जिस्टिंग जो दो सन हैं वो उसको कैरी कर रहे हैं, तो ये जो सक्सेशन किया गया बिजनेस का बाय द टू सन्स बाय फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म, ये सक्सेशन हुआ है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी वजह से ये जो अर्स्ट वाइल आपके जो प्रोप्रेटरी कंसर्न है उसके लॉस को आगे ये जो आपके सक्सेसर पार्टनरशिप फर्म है ये क्या करेंगे, इसको सट ऑफ दे सकते हैं, बिकॉज ये जो सक्सेशन है इसको हम कहेंगे सक्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो दूसरा सेगमेंट मैंने क्या लिखा है इसमें, प्रोविजन टू चेक द अब्यूज ऑफ द अबव प्रिंसिपल, तो जो जनरल प्रिंसिपल ऊपर जो मैंने लिखा है उसका अब्यूज ना हो उसके लिए और दो प्रोविजन बनाए गए हैं, एक है आपका 78(1) और दूसरा आपका 79। 78(1) की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में ये बोला जाता है कि द फर्म विल कंटिन्यू टू रिमेन एज अ गोइंग कंसर्न इवन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो फिर उस केस को भी हम मानते हैं क्या, द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो एज पर सेक्शन 78(1) क्या कहता है, द लॉस एट्रिब्यूटेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर एज ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट और एज ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ एज द केस में भी, उतना हिस्सा लॉस का क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म आगे उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि वो उतना पोर्शन ऑफ लॉस पार्टनरशिप फर्म का विच इज एट्रिब्यूटेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर एज ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, उतना टुकड़ा लॉस का क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो दैट इज वॉट 78(1) में बात रखी गई है। तो क्या लिखा गया है, लॉस एट्रिब्यूटेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर एज ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ इन द केस ऑफ द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म शैल गेट लैप्स्ड। तो ये भी उसके क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर रिकॉल होता रहेगा तो उसको क्वेश्चन के जरिए देखने की जरूरत नहीं है। 79 स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेसिफिकली वो स्टार्टअप को लेके, क्लोजली हेल्ड लॉस ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसमें दो है सेक्शन आपके 79A और 79B। पहले आप उसके जो बेसिक 79A के जो प्रोविजन थे वो पहले आप समझ लें, और ये जो रेड आप देख रहे हो ना स्टार्टअप के लिए, तो समझ जाना कि ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है FA-19 का। तो प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है या फिर मान के चलो कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है, तो मोर देन 50% ऑफ द कॉमन शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द कॉमन शेयर होल्डिंग होनी चाहिए दोनों सालों में। वो दो साल कौन से हैं, द ईयर ऑफ लॉस एंड द ईयर इंटेंडेड फॉर सेट ऑफ। तो अगर इन दोनों सालों में अगर जो कॉमन शेयर होल्डिंग है इफ इट इज मोर देन 50%, तो फिर उस केस में बताओ क्या होगा, द लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सॉरी द लॉस ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी और द क्लोजली हेल्ड कंपनी वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन वॉयलेट अगर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो लॉस है, अच्छा बाय द वे जब मैं लॉस कह रहा हूं तो इसमें ये बिजनेस लॉस मान के चलना, तो ये जो लॉस है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये वाला जो कंडीशन है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ प्राइमरी किस पे लागू हो रहा है, ये जो कंडीशन है किस पे लागू हो रहा है, ओनली फॉर द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, उसी की बात हो रही है, और इसी वजह से इसमें ध्यान रखना नॉट एप्लीकेबल फॉर यूएडी, नॉट एप्लीकेबल फॉर यूएडी, तो यूएडी में इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर ये कॉमन शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 50% अगर ये कंडीशन वॉलेट हो जाता है तो उसी साल ये बिजनेस लॉस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो देखते हो ना 51% मोर देन 51% कॉमन शेयर होल्डिंग, ये आपको देखना पड़ेगा उन दोनों सालों का लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जो साल आपका लॉस का है उसका लास्ट डेट एंड द लास्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट AY, और फिर जैसे जैसे आगे हर साल जाते रहोगे आगे
अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी और आपके पास अभी भी कुछ अंश है उस लॉस का जो पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको आगे खींचते जाओगे। तो लेकिन आपने देखना है हर सालों का लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और अगर उस लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर में अगर ये मोर देन 50% वाला कॉमन शेयर होल्डिंग वाली कंडीशन अगर वॉयलेट हो जाती है, लॉस ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि स्टार्टअप के लिए लास्ट एवाई में, लास्ट फाइनेंस एक्ट 2018 की बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने एक नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, वो है 79B का। अच्छा, वहां पे उन्होंने तभी एक एक्सक्लूसिवली बोला था कि स्टार्टअप के लिए आप सिर्फ 79B देखेंगे, आप उनको 79A की तरफ नहीं देखेंगे। मतलब 79A की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं की गई थी स्टार्टअप वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 79B की कंडीशन हमें देखनी थी एज पर द अमेंडमेंट ऑफ FA18। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोला गया था कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनकी कंबाइंड होल्डिंग इवन दो इट इज गॉन लेस देन 50%, इवन दो इट मे हैव गॉन लेस देन 50%, लेकिन अगर उनके वो सारे नंबर ऑफ शेयर्स जो उनके पास पहले थे, तो जिस पहले थे का मतलब है द ईयर इन विच दे हैव इनकर्ड द लॉस, अगर वो कंटिन्यू करते हैं विद द सेम नंबर ऑफ शेयर्स, अगर वो कंटिन्यू करते हैं विद द सेम नंबर ऑफ शेयर्स, तो भले ही उनका अपना कंबाइंड शेयर होल्डिंग 50% से कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ द न्यू शेयर होल्डर को अकोमोडेट करने के चक्कर में, लेकिन इफ उनका जो अपना नंबर ऑफ शेयर्स है वो उतना का उतना ही है, तब भी क्या होगा, हम इसको सेट ऑफ दिलवा देंगे, ये वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। ये था आपका FA18 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन, FA18 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो स्टार्टअप के लिए एकदम उन्होंने क्लियर कट मैंडेट दे रखा था, और मैंडेट यही था कि भाई आपने इन स्टार्टअप के लिए बस यही देखना है कि क्या स्टार्टअप के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं विद देयर सेम नंबर ऑफ शेयर्स। इफ द आंसर इज यस, सो इवन दो क्या कहा मैंने, देयर कंबाइंड शेयर होल्डिंग हैज रिड्यूस्ड टू लेस देन 50%, देन ऑल्सो उनको जो ब्रॉड फॉर लॉस होगा अपने उन सालों का, उसका सेट ऑफ मिल जाएगा। ये FA18 तक पोजीशन था स्टार्टअप 79B, एंड अदर देन स्टार्टअप जो भी बाकी क्लोजली हेल्ड कंपनी होंगे उनको 79A। अब उनको लगा कि नहीं, ये चीज बहुत ही रिजिड कंडीशन है, और उसी को उन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया कि जहां तक स्टार्टअप की बात है, वो या तो 79B का कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर 79A का कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब 79A का अगर कंडीशन की अगर हम बात करें, तो क्या होगा ऐसे केस में कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है स्टार्टअप कंपनी के, अगर उनके अपने नंबर ऑफ शेयर्स कम अगर हो भी जाते हैं 79A के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उनके अपने नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो भी जाते हैं लेकिन कंबाइंड शेयर होल्डिंग अगर उनका मोर देन 50% अगर चला जाए, तो क्या 79A का बेनिफिट, क्या 79 का बेनिफिट लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि वो 79A के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही बात FA19 ने की है कि अब स्टार्टअप वालों को दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे, तो भाई बस उनको ये डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, वो एग्जांपल याद आ रहा है कि 79B में अगर आप सोचोगे तो मुकेश अंबानी के बारे में सोचना, याद आ रहा है? और अगर 79A की अगर हम बात करें तो किसके बारे में सोचोगे, आप सोचेंगे ये फिल्म स्टार के बारे में जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू जब मैंने आपको ये चीज बताई थी। आइए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप असेसमेंट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि काफी अटेम्प्ट के लिए पूछा नहीं गया। अच्छा, इसके बीच में AMT आ रहा है स्टूडेंट्स, AMT में सीधा प्रैक्टिकल में डाइव मारें और एक दो क्वेश्चंस देख लें, ज्यादा उस पर तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सरचार्ज पे थोड़ा सा फोकस करके चलना, क्योंकि वो आपको पता ही है कि एडजस्टेड टोटल इनकम आपको देखनी पड़ती है, और अगर वो एडजस्टेड टोटल इनकम अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला जाता है, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाता है तो सरचार्ज लगेगा। ध्यान रखना कि हायर सरचार्ज का कंसेप्ट भी अब आ चुका है, जिसमें इंडिविजुअल HUF, आर्टिफिशियल AOP BOI, उनको 2 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ के ऊपर अगर उनकी टोटल इनकम जाती है तो फिर उनको हायर सरचार्ज मैंडेट करवाया गया है। पार्टनरशिप फॉर्म में स्टूडेंट्स 184 से लेके 189 के इनिशियल प्रोविजंस हैं, जो बताता है कि कैसे एक फर्म की असेसमेंट की जाएगी एज अ PFAS। ठीक है, तो उसमें आपको बताया बस यही गया है कि PFAS के लिए भाई एक फर्म होना, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड जिसे साइन करना है बाय ऑल द पार्टनर्स। और फिर क्या होगा, पहले साल में
जब ये फर्म का रिटर्न जाएगा तो उस रिटर्न में ये पार्टनरशिप डीड को भी फाइल करवाया जाएगा, और फिर जब तक फर्म का कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता है तब तक वही ओरिजिनल डीड के आधार पे क्या है फर्म की असेसमेंट की जाएगी। लेकिन जब भी फर्म का कोई अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फिर फर्म को क्या करना होगा कि रिवाइज पार्टनरशिप डीड उनके उन्हें फिर फाइल करना है, रिवाइज पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सक्सेशन ऑफ द फर्म। तो पहले तो उसके डिफरेंस और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस। तो डिफरेंस में कि अगर कॉमन पार्टनर्स है इमीजिएटली बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, इफ देर इज एटलीस्ट वन पार्टनर हु इज कॉमन इमीजिएटली बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, तो हम उसे कहेंगे क्या द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मान के चलो कि ए बी सी वेयर पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और सीधा बाद में 1 अक्टूबर से 31 मार्च को डी ई एफ आ जाते हैं, तो फिर उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, सक्सेशन बाय अ न्यू फर्म। तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? तो अगर सिर्फ ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है तो आपको पूरे ए वाई के लिए, पूरे साल भर के लिए एक ही आर ओ आई फाइल करनी है, पूरे ए वाई के लिए पूरे साल भर के लिए एक ही आर ओ आई आपको फाइल करनी है। लेकिन अगर ये सक्सेशन का केस है तो जैसे मैंने कहा ना, दो फिर आर ओ आई की बात आएगी, और फिर दो आर ओ आई अगर आपको फाइल करना है तो फिर उसमें दो असेसमेंट होंगे और दो ऑर्डर पास किए जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। जहां तक पार्टनर्स की अपनी लाइबिलिटी की बात अगर हम करें तो ये जो पार्टनर्स हैं दे वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। कहने का मतलब यही होगा कि जो भी लायबिलिटी फर्म की है, जो भी लायबिलिटी फर्म की होगी वो पार्टनर्स वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो ये आपके प्रोविजंस हैं फ्रॉम 184 टू 189। अच्छा, इसके बाद अब कुछ स्पेशल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो पहला तो आता है स्टूडेंट ध्यान रखना कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सक्सेशन या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये वाले जो केस है ना चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सक्सेशन या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में, अगर हम उसकी अगर हम बात करें तो ICDS 2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यूएशन होगी ओनली एज पर दी एनआरवी। एनआरवी के आधार पे ही क्या है वैल्यूएशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही फर्म का डिसोल्यूशन है, तब तो आप नॉर्मल तरीके से चले वैल्यूएशन करने के लिए। नॉर्मल तरीका तो सभी को पता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हुआ है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हुआ है या फिर डिसोल्यूशन फर्म का होता है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एनआरवी के आधार पे ही की जाएगी। बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, और एक पार्टनरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल गेन्स में प्रोविजन है 45(4) का, जहां पे ये बोला गया आपको कि अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है तो और उसे क्या है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इजंट इट, 45(4) के अंदर, जहां पे उसे वो फर्म का ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फर्म का कैपिटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो फिर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स की चार्ज होगी और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लिया जाएगा वो होगा द फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अभी भी बता दो, चार्जेबिलिटी फर्म पे तभी बनेगी जब कि फर्म ने क्या किया है, उस कैपिटल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो उस साल चार्जेबिलिटी नहीं की जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो सोल है पार्टनरशिप असेसमेंट का वो 40B है, क्योंकि इसमें रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट जो कि फर्म पार्टनर को देता है उसकी डिडक्शन फर्म को मिलती है सब्जेक्ट टू दी लिमिट एंड दी कंडीशन विच आर स्पेसिफाइड इन 40B। और ध्यान रखना कि जितना डिडक्शन फर्म को मिला है वही अमाउंट पार्टनर के हाथ में क्या होगा, ये इनकम होगा चार्जेबल अंडर दी हेड विच हेड PGBP। तो पहले तो कंडीशंस देख लेते जल्दी से। तो कंडीशंस यहाँ पे इंटरेस्ट और रिमुनरेशन का बनाया गया है, और पर्टिकुलर ऑथराइजेशन मस्ट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथराइज्ड हो। ये अगर ऑथराइज नहीं है पार्टनरशिप डीड में तब तो आप भूल ही जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऑथराइजेशन इज मस्ट, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखोगे आप तो ऑथराइजेशन शुड बी प्रोस्पेक्टिव। तो होता है ना कि हमने पार्टनरशिप डीड में ओरिजिनली था ही नहीं इंटरेस्ट और रिमुनरेशन देने का, और फिर बाद में बीच में कभी हमने क्या किया है वो डीड को रिवाइज की है, और फिर हमने जिस डेट से हमने जब डीड को रिवाइज किया है और ये बोला है कि इंटरेस्ट और रिमुनरेशन का डिडक्शन पार्टनर को दिया जाता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो रेट्रोस्पेक्टिव का कोई रिलेवेंस नहीं है, आपको डिडक्शन उसी डेट से मिलेगा जबकि जिस डेट से पार्टनरशिप डीड को रिवाइज किया गया है।
इसके बाद पार्टनर्स जो कवर्ड हैं वो कौन है, वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग, इंटरेस्ट के लिए दोनों ही लोग कवर्ड हैं। जबकि अगर आप रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्किंग पार्टनर को ही क्या है कवर किया गया है। चौथे पॉइंट में स्कोप फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अबाव कंडीशन, ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला जो है ना ऑथराइजेशन इन द पार्टनरशिप डीड मस्ट है, ये जो कंडीशन है। अच्छा, अब आप नोटिस करें स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आप देते हो किस पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट आप देते हो, करंट अकाउंट पे। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो उस पे भी वो इंटरेस्ट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइजेशन दिया गया है टू पे टू द पार्टनर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट, टू पे टू द पार्टनर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट, और फर्म क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्म उनको इंटरेस्ट दे रहा है ऑन द करंट अकाउंट, या फिर फर्म ने लोन लिया है जिस पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है टू द पार्टनर, तो क्या ऐसे हालात पे उस इंटरेस्ट का ऑन करंट अकाउंट ऑन लोन अमाउंट क्या उसकी डिडक्शन बन सकती है जबकि ऑथराइजेशन है ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एंड द आंसर इज नो, पूरी तरह से डिसला होगा। आप रेट वेट के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे कि भाई ये 12% के रेट से कम है, नहीं पड़ना है उस चक्कर में, पूरी तरह से डिसअलाउड है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे रेम्यूनरेशन पेड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड कवर्ड अंडर सेक्शन 40B, तो रेम्यूनरेशन पेड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड कवर्ड अंडर सेक्शन 40B। अब ये क्या कहता है, तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भी होता है ना कि कोई एक पार्टनर है उसको हम रॉयल्टी दे रहे हैं उसके स्पेशलाइज सर्विस के लिए, तो क्या वो भी रॉयल्टी 40B के कंडीशन और लिमिट के कसौटी पे उसे आजमाया जाएगा? बिल्कुल, तो ये भी उसे उसी कसौटी में आजमाया जाएगा जिस कसौटी पे आप नॉर्मल रिम्यूनरेशन जो कि होगा ना सैलरी बोनस दे रहे हो, वही केस में स्पेशल रिम्यूनरेशन को भी उसी कसौटी में आजमाया जाएगा। अच्छा, अब ये देख रहे हो आप लोग एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 40B, ये क्या है एग्जैक्टली? तो इस एक्सप्लेनेशन के जरिए ध्यान से सुनना इसको, कौन है पार्टनर फर्म में, पार्टनर कौन है? प्रवीण दी एचयूएफ को बनाया गया है पार्टनर, प्रवीण दी एचयूएफ है पार्टनर, और फर्म ने लोन किससे लिया है? प्रवीण द इंडिविजुअल से लोन लिया गया है। लोन किससे लिया गया? प्रवीण द इंडिविजुअल से लोन लिया गया, और फर्म क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको? प्रवीण द इंडिविजुअल को। तो पार्टनर है एचयूएफ लेकिन लोन फर्म ने लिया है फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सन इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। तो अगर वो इंडिविजुअल के नाम से उसने क्या है, फर्म ने लोन लिया है, और उस लोन पे अगर फर्म क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उस केस में क्या 40B का कोई कंडीशन और लिमिट क्या वो अप्लाई होगा? एंड द आंसर इज नो, 40B के ना तो कोई कंडीशन और ना ही वो लिमिट यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही होगा कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है ये पूरी तरह से इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आप ये भी नहीं देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 12% के नीचे है ऊपर है, नहीं देखना है क्योंकि 40B ही एप्लीकेबल नहीं है। यही आपको एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है उसका, इसका उल्टा केस कि प्रवीण द इंडिविजुअल पार्टनर है उस फर्म में, और फिर फर्म ने लोन लेकिन अब किससे लिया है, प्रवीण दी एचयूएफ से लोन लिया है, और उस लोन पे क्या है, फर्म प्रवीण दी एचयूएफ को इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो क्या उस केस में भी क्या 40B की कंडीशन और लिमिट एप्लीकेबल की जाएंगी? एंड द आंसर इज नो। रिम्यूनरेशन पे ये क्लॉज लागू नहीं होता, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। लिमिट तो स्टूडेंट्स अब आपको ये पता ही है तो लिमिट पे चर्चा नहीं करते हैं। बस हाँ यह ध्यान रखना कि जहां रिम्यूनरेशन की बात है उसमें बुक प्रॉफिट आपको डिटरमाइन करना जरूरी है। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? PGBP अंडर सेक्शन, किस सेक्शन की बात हो रही है? PGBP अंडर सेक्शन 28-43D बिफोर द रिम्यूनरेशन, मतलब कि इंटरेस्ट तक आपको लेकर जाना है अप टू 12%, और फिर जो रिम्यूनरेशन दिए गए हैं वो आप बुक्स में जो डेबिट किया होगा वो आप एड बैक कर लें। यही मैंने फॉर्मेट फिर बताया था, आप लोग को करवाया भी था, सारे रेगुलर हो या कैप्सूल हो या रिविजन लेक्चर में भी बताया गया था किस तरीके से आजमाना है। तो पर्टिकुलर्स हो, अमाउंट हो, एंड अमाउंट नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स, एड और लेस क्या होगा, क्लासिफिकेशन ही तो आपको पता ही है। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स फॉर बिजनेस ये लाना है आपने। फिर पॉइंट नंबर 2 में एड और लेस ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ PGBP अदर देन रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू द पार्टनर, ये फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है, ये वैसे आप रीड भी कर सकते हो। फिर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पेड
एज पर द बुक्स जो भी डेबिट किया उसको ऐड बैक करना, फिर उसमें से फिर आप इंटरेस्ट का पहले आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट, आप 12% पर एनम मैक्सिमम उतना ही आप दे सकते हो। और फिर नोटिस करना स्टूडेंट, यूएडी भी क्या होगा 32 के हिसाब से, क्या उसे एडजस्ट की जाएगी? एंड द आंसर इज यस। बुक प्रॉफिट लाने के लिए तो एडजस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यूएडी 32-2 में। क्यों? क्योंकि बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन खुद ही देख रहे हो, यूएडी की जो डिडक्शन बनती है वो बनती है 32-2 के अंदर। एंड दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि ये डिडक्शन 32-2 के अंदर बन रही है, दैट इज द रीजन वाई। आप खुद ही देख सकते हो इसका नतीजा क्या है कि यूएडी का आपको एडजस्टमेंट देना होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 72-2? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो 72-2 के अंदर जो सेट ऑफ जो मिलता है, क्या वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को हम, क्या वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को हम बुक प्रॉफिट लाने के लिए क्या उसका सेट ऑफ दिलवाएंगे? वेदर द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बुक प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए क्या उससे सेट ऑफ दिलवाएंगे? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मुझे बुक प्रॉफिट ले कंप्यूट करना है फॉर द पीजीबीपी फ्रॉम 28-43D। तो इसी वजह से आप यूएडी तो एडजस्ट करोगे 32-2 के अंदर, फिर बुक प्रॉफिट जो आएगा आपका बन जाएगा, फिर देखें आप मैक्सिमम रेमुनरेशन आपका कितना बनता है लिमिट के आधार पे, और कंपेयर कर लेना विद द एक्चुअल रेमुनरेशन जो आपने दिया है, और दोनों में से जो लोअर होगा फाइनली वो डिडक्शन बनेगा। और फिर देखो स्टूडेंट, एक बार डिडक्शन लेने के बाद जो अमाउंट आता है, ये जो अमाउंट आपने लाया है उसमें फिर आप एड बैक करोगे यूएडी जो आपने ऊपर सेट ऑफ किया है। क्यों एड बैक करने की जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट्स? उसकी वजह एकदम साफ है, एड बैक हमें इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हायरार्की कहता है। अब आप जब आपका बुक प्रॉफिट हो गया, रिमुनरेशन कितना बनना है वो आपने निकाल लिया, तो फिर अब आप अपने एक्चुअल कैलकुलेशन में आ जाओगे। और एक्चुअल कैलकुलेशन क्या कहता है कि पहला सेट ऑफ तो होगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का, और उसके बाद यूएडी का होगा। तो इसी वजह से जो ऊपर यूएडी आपने सेट ऑफ कर लिया है वो आप उसे एड बैक करें, एंड देयर आफ्टर यू विल डू द हायरार्की। तो हायरार्की में उसके बाद आप देखते हो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, एंड आफ्टर दिस देयर इज अ यूएडी ऑफ 32-2। इसमें स्टूडेंट्स ये चीज भी लिखी गई है, द बैलेंस पीजीबीपी इज नॉट सफिशिएंट टू एडजस्ट यूएडी अंडर 32-2। अगर बैलेंस जो पीजीबीपी है वो पर्याप्त नहीं है टू एडजस्ट यूएडी अंडर सेक्शन 32-2, देन द बैलेंस यूएडी कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अदर इनकम। तो आप तो पता ही है यूएडी को माना जाता है। देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया आपको क्या कि उससे तो आपको सेम हेड में ही एडजस्ट करना है, सेम हेड में ही, क्योंकि जितने ब्रॉड फॉरवर्ड आइटम है उसको आप इंटर हेड एडजस्टमेंट का बेनिफिट नहीं देते हो। इंटर हेड एडजस्टमेंट का बेनिफिट दिया जाता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द करंट ईयर लॉस। तो ये जो यूएडी की अगर हम बात करते हैं तो यूएडी को माना जाता है एज अ डीम टू बी द करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और यही तो वजह है कि क्यों यूएडी का कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड के लिए, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी वॉट अ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अ करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इस वजह से स्टूडेंट्स, इस वजह से क्या है, क्या यूएडी का हम इंटर हेड एडजस्टमेंट ले सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, सैलरी को छोड़ के, लेकिन उसकी इंटर हेड एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस नहीं मिलेगा, करंट ईयर बिजनेस लॉस मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना जो ऊपर मैंने बताया था कि भाई इंट्रा हेड करो या इंटर हेड करो, उनके अपने थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पे मैंने आपको सॉल्यूशंस भी करवाए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो किए थे, यही सीक्वेंस पे जस्ट थोड़ा ध्यान रख के चलना। एक क्वेश्चन आपको देखने हैं, बस ध्यान रखना प्रैक्टिकल पे जो भी है आप एक क्वेश्चन इसमें देख के जाएंगे एग्जामिनेशन डे पे भी, क्योंकि ये तो लेक्चर ही मैं बता रहा हूँ कि LDR का ही लेक्चर है, ऐसे ही आपको इतने बड़े सेगमेंट को कवर करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग अगले पर्टिकुलर एरिया में, प्रिजम्पटिव इनकम, इसके भी चांसेस है, ऐसे हल्के में मत लेना है इसको। तो आप देख रहे हो ये तो, चलो आपको ये पता ही चल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का तो पॉइंट है नहीं। इसमें भी अगर आप देखोगे ये जो ना 6% वाला जो पॉइंट है ना,
ये जो अमाउंट है आपको अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या जो इलेक्ट्रॉनिक मीन प्रिस्क्राइब मोड जो होगा उस मोड के आधार पे आपको ये अमाउंट रिसीव करना है। क्या विद इन 6 मंथ्स करना है या ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई करना है? विद इन 6 मंथ्स करना है या ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई करना है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई करना है, तब जाके 6% का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी एडवांस टैक्स का भी एक स्पेशल पॉइंट है इसके अंदर, वो यही है कि भाई आपका जो आखिरी इंस्टॉलमेंट, इनको सिर्फ आखिरी इंस्टॉलमेंट वाला ही ड्यू डेट एप्लीकेबल है जो 15 मार्च का, जो कि वो 31 मार्च तक पे कर सकते हैं। नहीं पे करने पे उनको 1 महीने का वो एक इंटरेस्ट लग जाएगा जो आपको पता है। 44A की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हैवी गुड्स व्हीकल और ये अदर्स वाला कैटेगरी है, तो ऐसे केस में 1,000 रुपीज़ पर ट्रक पर व्हीकल, वो वाला केस हैवी गुड्स व्हीकल, वो 12 मेट्रिक टन अनलेडन वेट, मतलब कि उसकी लोड लिए बगैर। और जो अदर्स वाली कैटेगरी है वो उस पर 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल, 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल का ये अदर्स का कैटेगरी बनता है 44A में। नॉन रेसिडेंट की प्रिजम्पटिव इनकम जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, एयरलाइन होगा आपका, शिपिंग कंपनी ये ने किया था, तो उसमें जो परसेंटेज है वो आप एक अमाउंट पे अप्लाई करोगे वो होगा अक्रूड इन इंडिया या फिर रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया या रिसीव्ड इन इंडिया का गेम क्या है आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया भी था आपको। सो व्हाट वुड बी दी अक्रूड इन इंडिया? तो जैसे कि फॉर कैरेज ऑफ द गुड्स पैसेंजर और लाइफ स्टॉक फ्रॉम द पोर्ट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, अक्रूअल है। या रिसीव्ड का मतलब क्या होगा कि कैरेज तो कहीं बाहर से हुआ है लेकिन उसका जो फ्रेट है उसे इंडिया में रिसीव हुआ है। ये दो अमाउंट को आपको कंसिडर करना है और यही बनेगा उनका वो अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट, जिस पे आपको निर्धारित जो परसेंटेज है वो अप्लाई करके प्रिजम्पटिव इनकम लाना है। कुछ पॉइंट्स आपको बस बता दो स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो हमने डिस्कस भी किया था अपने क्लास के दौरान, वो यही चर्चा में लेकर आता हूँ कि ध्यान रखना कि अगर मैंने कभी पहले 44AD का ऑप्शन लिया ही नहीं था और मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे चल रहा है, तो वो ध्यान रखना कि मैं अगर करंट ईयर में भी अगर मैं वो 44AD नहीं लेना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई ऑडिट वर्ल्ड का कोई मेरे कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन ऑडिट का इस केस में नहीं है, कंपल्शन ऑडिट का उस केस में जबकि मैंने पहले कभी 44AD लिया था और अब मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ, मुझे 44AD नहीं चाहिए एंड माई टर्न ओवर इज लेस देन 2 करोड़, उसमें दिक्कत है। और दिक्कत क्या है कि फिर आपको बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उसे ऑडिट करना पड़ेगा और ये सिलसिला आपको अगले 5 सालों के लिए भी करना है। लेकिन ये जो आपको कंप्लायंस है वो कब होगा कि पहले आपने कभी 44AD ऑप्ट किया है और फिर करंट ईयर में आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, तब जाके ये कंप्लायंस आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अगर स्टूडेंट मैं ये पहले ऑप्ट किया था और अब मैं उसे ऑप्ट आउट कर रहा हूं, तब तो मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि क्या फिर मुझे ATJJAA का डिडक्शन उस साल में जबकि मुझे टैक्स ऑडिट हुआ है, क्या फिर मुझे ATJJAA का डिडक्शन मिल जाएगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं बाकी वो ATJJAA के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ATJJAA में लिखा हुआ है टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो ये भी और एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है। और एक पॉइंट है कि अगर मैं ATJJAA, अगर मैं मुझे टैक्स ऑडिट ऐप अगर मैं 44AD ऑप्ट आउट करता हूँ, 44AD अगर मैं ऑप्ट आउट करता हूँ तो क्या मुझे तो फिर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फिर मैं ऑडिट भी करूँगा, तो क्या फिर जो मैंने अपनी PGBP इनकम बनाई है उस पर क्या मैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शन ले सकता हूँ? एंड द आंसर इज येस, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि जो 44AD ऑप्ट करता है उनके लिए ATIA, ATIB, 10AA वो सारे जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है वो आपके लिए इन एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर आपने 44AD ऑप्ट किया है। तो अगर आप 44AD को ऑप्ट नहीं करते हो और आप नॉर्मल तरीके से अपनी इनकम बनाते हो तो फिर आपको ये डिडक्शन ATIA, ATIB, ये प्रॉफिट लिंक डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। ये भी एक अपने कंडीशन है। फर्म में LLP वालों को ये नहीं बेनिफिट है, कंपनी वालों को भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 44AD का, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट अगर आपको याद है, मैंने वैसे TDS के लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, 194C हो, 194H हो, 194I है, और उनका लास्ट ईयर क्या था, वो 44AD वो ऑप्ट आउट कर दे किए थे, इस वजह से लास्ट ईयर उनको ऑडिट करना पड़ा था।
क्योंकि ऑप्ट आउट किया था उन्होंने, इस वजह से लास्ट ईयर उनको ऑडिट करना पड़ा था, और करंट ईयर में उन्होंने क्या किया है, पेमेंट किया है प्रोफेशनल फीस का। तो क्या फिर उस केस में उस इंडिविजुअल या उस एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन बनती है? एन आंसर इज नो। टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन किस बेसिस पे बनती है कि लास्ट ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 44AB AB के क्लॉज ए एंड क्लॉज बी के थ्रेशोल्ड को वो पार अगर कर जाए, तब जाके ही क्या होगा, करंट ईयर में उस इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस ऑन द पेमेंट डिडक्ट करने की कंप्लायंस बनेगी। तो ये नहीं देखा था 44AB में स्टूडेंट्स जो ऑडिट की क्राइटेरिया है, तो एक तो दो वाला जो पहले दो कैटेगरी अगर देखोगे तो टर्नओवर क्राइटेरिया है, 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख आपका है प्रोफेशन के लिए। फिर आगे बाद में स्पेशल वाले आ जाते हैं जिसपे 44, उसमें अगर आप देखो क्लॉज नंबर आपका है ई है शायद, डी डी या ई है, उसमें ही आपका आता है कि जो व्यक्ति जो 44AD ऑप्ट आउट कर रहा है तो उसको अल्टीमेटली क्या है, उसको टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा। लेकिन ये डी क्लॉज है या ई क्लॉज है कंफर्म कर लेना, डी या ई क्लॉज है। ए और बी वाला जो क्लॉज है उसमें तो एकदम नॉर्मल केस रखा है, 1 करोड़ बिजनेस के लिए और 50 लाख इसके लिए प्रोफेशन के लिए उनके लिए। और बाद में जैसे वो चौथे क्लॉज की तरफ आते हैं 44AB में, तब वो बोलते हैं कि अगर कोई 2 करोड़ के अंदर वाला टर्नओवर है, ठीक है, और उसने ऑप्ट आउट किया 44AD का ऑप्शन, जबकि पहले ऑप्ट किया रहेगा, तो वो 44AD सबसेक्शन 4 को रेफर करते हैं, तो फिर उसको फिर टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। ये तो चलो ठीक है, तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी होना ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि करंट ईयर में वो एक पेमेंट करते हैं और उस पे अगर टीडीएस की अगर ऑब्लिगेशन पता लगानी है, तो हमें ये देखना है कि क्या लास्ट ईयर उनका टर्नओवर 44AB के क्लॉज ए या फिर क्लॉज बी के थ्रेशोल्ड को अगर वो पार करता है या नहीं, और उसका थ्रेशोल्ड आपको पता ही है 1 करोड़ एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली, दिस इज वॉट हैज टू बी लुक्ड अपॉन। तो बस यही चीज है जो चीज मैंने क्लास में भी बताई थी और टीडीएस के लेक्चर में भी मैंने ये चीज डिस्कस आपके साथ किया था। तो ये है, हो गया स्टूडेंट आपका ये पूरा का पूरा, यहाँ पे गेम कंप्लीट है। अच्छा, अब आपको तुरंत ही क्या करना है बता रहा हूँ जल्दी से, ये जो चैप्टर 6A के जो बैलेंस 80C वाले जो डिडक्शन है ना, ये छोटे छोटे डिडक्शन इंक्लूडिंग दैट अमेंडमेंट वाले 80EA EB, वो जल्दी से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये AMT तो आपको मैंने जैसे बोला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख के ही इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। फिर स्टूडेंट्स ये AOP BOI भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख के इसको कंप्लीट करना है। फिर आप करेंगे ये आपका मैट एंड असेसमेंट ऑफ द कंपनी, इस पे तो मैंने अपने लेक्चर्स भी डाले हुए हैं यूट्यूब में, तो उसके 3 पार्ट्स हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लेना, असेसमेंट ऑफ कंपनी। तो वो चीज़ अल्टीमेट 3 पार्ट्स में इसको मैंने डाला हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं इंक्लूडिंग दैट स्पेशल रेट्स जो कि 115 में वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, BAA BAB का जो सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है वो, प्लस जो इंडेस के जो एडजस्टमेंट है नॉर्मल जो बने हुए हैं वो तो है ही है। तो दिस इज प्रिसाइसली हाउ यू आर गोइंग टू रैप इट अप नाउ। ये इसके साथ साथ अब यहाँ तक कम्प्लीट करना आपका अल्टीमेटली पूरा एक बहुत बड़ा एरिया स्टूडेंट्स आपका रिविजन में कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, अब आपको चुनना है, क्या चुनना है आपको, बस मुझे अगर 3 वीडियो अभी तक हो चुके हैं ABNC रिवीजन के, उसमें से आप बस निकालो पॉइंट निकालो कि भाई कौन से टाइम पे आपको क्या क्या देखना है, बस उतना ही आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जो अगला वीडियो होगा डी वाला असेसमेंट प्रोसीजर, ये तो आपको सुनते रहना, उसमें कोई टाइमिंग वाइमिंग मत लिखना, उसकी एक वजह है। अब आपका अगला जो वीडियो होगा उसमें आने के पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये जो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ये वाला चार्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे असेसमेंट का, तो देखो स्टार्टिंग में तो ROI वाले सेक्शंस है वो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जल्दी हो जाता है, ये तो आप भी जानते ही हो। तो ये जो असेसमेंट वाला जो सेक्शन होगा ROI में, भाई वो सारे क्राइटेरियाज जल्द से जल्द जो अमेंडमेंट वाले हैं स्पेसिफिकली वो चैप्टर अपना इसका 54 सीरीज वाला एग्जम्पशन या स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर वाला, वो एक कैटेगरी हो गया, इज़न्ट इट। फिर आपके पास आफ्टर दिस वो 139(3), 4 और 5, उसमें ज़्यादा दम नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उसमें ना ज़्यादा उलझे, उसको जल्दी से रैपअप करना, और फिर बाद में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं
चालू होता है इंटीमेशन में। जैसे कि ये देखो पूरा चार्ट, जैसे कि आपको बताया गया था, ये तीनों ही मैंने बैच में, रेगुलर हो, कैप्सूल हो या फिर आपका रिविजन बैच है, तीनों में ही सबको आपको ऐसे चार्ट्स बनाए थे। तो इंटीमेशन में सारे देखो टाइम लाइन्स के साथ, हमने AY 2021 लिया तो उसके रिटर्न ऑफ इनकम के क्या डेट्स हैं, आपके 139(4) के क्या डेट्स होंगे, और फिर उसके हिसाब से इंटीमेशन जब दिया था तो स्कोप और टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट के बाद उसकी क्या उसकी लास्ट डेट बनती है, और फिर रघुवीर सिंथेटिक्स का ये अपेरेंट मिस्टेक पे सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ ये एक होगा, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रिफंड ड्यू पे ये वाला जो सेक्शन है 241 है, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट क्या होगा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि क्या रिफंड जो ड्यू है क्या उसे विथहोल्ड किया जा सकता है, और विथहोल्ड करने के बाद जब वो असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो क्या उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया आपको। फिर जब प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट देखिए चालू होता है, ये रेगुलर असेसमेंट की अगर हम बात करें 143 और 144, अगर ये रेगुलर असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये दो सेक्शंस हैं आपके पास, तो रिटर्न ऑफ इनकम वही AY है, और फिर इंटीमेशन दे दिया, फिर नोटिस ऑफ स्क्रूटनी देते हो आप लोग, और फिर बाद में उस नोटिस ऑफ स्क्रूटनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम लिमिट क्या है, ये आपको बताया गया। टाइम लिमिट के साथ साथ 292(b) को भी मैंने जोड़ा है, जो आपको मैंने बताया था कि भाई आपने ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति जाहिर ही नहीं की, और बाद में आप जागते हो, बाद में ऑर्डर पास होने के बाद आप ऑब्जेक्शन लेते हो अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, तो क्या वो वैलिडिटी मानी जाएगी, एंड द आंसर इज नो, इजंट इट। जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो ये सीक्वेंस है पावर्स के, उसी टाइम पे ये पावर्स करने हैं आपने, 133, 131, 133 ए। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड आस्पेक्ट को छेड़ता रहूँगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि दिक्कत इसमें आती है कि भीड़ में ये क्या होता है, खो जाता है। तो इसी वजह से आपने पकड़ना है इसको, फर्स्ट रीडिंग तो आपने करनी है, स्लाइड देखना, उसके बाद इसके पार्ट डी वाला जो वीडियो होगा असेसमेंट का, वो ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 45 मिनट्स का होगा, लेकिन ये आपका कंप्लीट करेगा कहाँ तक, टूवर्ड्स टिल द एंड, आप समझो कितने एरियाज हम लोग कवर करने जाएंगे उस पूरे प्रोसेस में। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको एग्जामिनेशन डे पे, मेरा मानना ये है कि अब आपके पास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टाइम कम होगा, अब ये पूरे रिविजन वीडियो भर भर के अल्टीमेटली आप ये ऐसे देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डू दिस। हाँ, ऐसे कुछ 30 मिनट का आप कान लगा के पूरा असेसमेंट से लेकर रिकवरी तक, अपील्स, पेनाल्टीज, वहां तक कवर करना है, तो भैया आप इस तरीके से फिर इसको अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग दिस, और यही मेरा रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स आप लोगों से है। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पहले से जल्द इसको देख लें, ताकि वो चीजें आपको एक रिकैप हो जाए, या फिर पहले अगर वीडियो देखना है और फिर आपको ये देखना है वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है पहले आप ये देख लें स्लाइड, और फिर उसके बाद वीडियो अल्टीमेटली उस पर जंप करना, क्योंकि फिर वो पिकअप होगा, और इसके बाद क्या होगा, मतलब एक फुल एंड फाइनल तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, वो तो पक्की बात है, लेकिन उस क्लोज हो जाने के बाद मेरा आपसे एक ही होगा, आप बस वो आधे घंटे तक अल्टीमेटली, जो आधे घंटे 40 मिनट रहेगा मैक्सिमम वो असेसमेंट का हिस्सा, उस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको ई असेसमेंट का मैंने थोड़ा सा थियोरी बताया, तो ई असेसमेंट का आप अपने नोट्स निकाल के रखना, और कुछ मैंने वो अपने STFRA पे जो अमेंडमेंट हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे, उसमें कुछ मैंने चर्चा की है, अगर आप उस हिस्से को छोड़ दें तो फिर सीधा आपके पास मैक्सिमम 40 मिनट का काम रहेगा। और 40 मिनट का काम क्यों है, क्योंकि ये हो के ये जैसा आपने एक बार आप कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बार जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद बस आप 40 मिनट आधा घंटा जो होगा ना आप सुनते जाएंगे, आपका इतना बड़ा एरिया ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन हार्डली 2 या 3 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर देंगे, 2 या 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 147 में इनकम स्किपिंग असेसमेंट बताया गया था आपको, असेसिंग ऑफिसर के पास क्या है, RTB का मतलब रीजन टू बिलीव, क्या है, दैट द इनकम हैज स्किप्ड असेसमेंट, इजंट इट। अच्छा, ये RTB है, लेकिन कुछ जगह पे AO के पास ओपिनियन है, 142A, 241A, स्पेशल ऑडिट का, विथहोल्डिंग ऑफ द रिफंड का। अच्छा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 142, 143, ही शैल असेस सच इनकम और एनी अदर इनकम विच कम्स टू इज नोटिस सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट, ये नॉर्मल प्रोविजन है। फिर यही है आपका पॉइंट नंबर 4 का, ये जो है ना 4 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 142, 153, पूरा का पूरा ये आपके पास क्या है, एक टाइम स्केल बना दिया गया है, जो शुरू होता है AY 17-18 से, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, AO हैविंग अ रीजन टू बिलीव, फिर उसके बाद क्या है, प्रोसीजर क्या होंगे, 148, 151 की प्रोसीजर है, उसके बाद क्या होगा, AO नोटिस जारी करेगा जिसकी टाइम लिमिट है 149 के अंदर,
कब तक वो नोटिस दे सकता है, 4 साल, 6 साल, 16 साल, और फिर जैसे बताया गया है यहाँ पे कि 4 साल के बाद, ये देख रहे हो आप लोग, 4 साल के बाद वो नोटिस नहीं दे सकता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। ठीक है, तो ये हो गया उसका, 6 साल का ये लिमिट है और ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अच्छा, सबको जाके 150 का एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में अगर वो नोटिस दे रहा है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स, SSC नोटिस मिलने के बाद क्या है, वो रिटर्न फाइल करेगा इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस ऑफ 148, और उस रिटर्न फाइल होने के बाद अगर SSC अगर रीजंस, वो क्या रीजंस आपके हाथ लगे हैं जिसके आधार पे आप क्या कर रहे हो, आप हमें ये नोटिस भेज रहे हो, तो क्या अब इस केस में, देखो ये मैंने ब्लू को ब्लू से मार्क किया है क्योंकि आपको ये कंपेयर करना है विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे दो कंपेरिजन होना चाहिए कि किस स्टेज पे रीजंस पत्ते खोलने हैं, कब डिस्क्लोजर देना है, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और फाइनली उसके फाइनली नहीं है, ये कंटिन्यू होगा कि क्या 143(2) का नोटिस ऑफ स्क्रूटनी देना मैंडेटरी है, तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है ट्रावन को डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, और ये नोटिस देना मैंडेटरी है। और उसकी वजह देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर वो नहीं देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्या है कि इसकी डिफेक्ट जो है वो उसको प्रोसीजरल डिफेक्ट मान के उसको नजरअंदाज करेंगे, नहीं, AO को असेस करना है और असेस करने के लिए उसको नोटिस ऑफ स्क्रूटिन देना मैंडेटरी है। फिर ये कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि देखो चार्ट काफी बड़ा है, ये मैंने आपको क्लास में भी तभी करवाया था, और इस वजह से चार्ट का देखो कंटिन्यूशन कितना लंबा जा रहा है, लेकिन देखो सब चीज कवर हो जाएंगे, एक चीज भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, ये चीज आप भी देख ही रहे हो। तो 152 है कि क्या प्रोसीडिंग जो शुरू की गई है 147 का, कि क्या उसे ड्रॉप की जा सकती है, तो इसके बारे में लिखा गया है। फिर इसमें बाद में एनी इनकम विच हैज कम विच हैज एस्केप्ड द असेसमेंट कैन बी कैन ऑल्सो बी असेस्ड, मालूम है आपको 147 में ओरिजिनल ग्राउंड जो थे वो तो आप असेस कर ही सकते हो, और साथ ही साथ में इन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ 147 जो न्यू ग्राउंड्स आए हैं क्या उसे भी असेस किया जा सकता है, क्या उसे भी एसेस किया जा सकता है, एंड आंसर इज यस, 147 में इसकी इजाजत है। मुद्दा लेकिन ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ इसी को हम एसेस कर सकते हैं, किसको, जो कि नया ग्राउंड आपको मिला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, क्या सिर्फ हम इसी को ही एसेस कर सकते हैं, ये है असली मुद्दा। और इसी पे कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, रिनबैक्सी का केस लॉ है, मैक फिनवेस एंड गोविंद राजू, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इसके पॉइंटर्स दे रखे हैं। पासिंग ऑफ द ऑर्डर, जब एक बार ऑर्डर पास हो जाए तो उसकी स्कोप क्या है, तो 1 एंड 2 DOPM है, DOPM का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शल मर्जर, रिस्ट्रिक्टिव स्कोप है, एक्सटेंडेड स्कोप है, और टाइम लिमिट कब तक, ये 24 मंथ्स देख रहे हो, जब भी 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, 24 मंथ्स इसलिए है कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस अगर होगा तो 12 महीने ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो दैट इज वन ऑफ द टाइम लिमिट विच इज बिन देयर। अच्छा, सर्च एंड सीजर का ये पूरा सीक्वेंस आपको पता ही है कि पावर ऑफ सर्च, और फिर उससे उसी कड़ी में ये जो तीन एरिया थे ना थियोरी के लिए मैंने मार्क किए, बहुत इंपॉर्टेंट, डीम सीजर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट एंड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये तीन जो चीजें हैं ये काफी अल्टीमेटली क्या होगा, ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस जब पढ़ो तो इस कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट में, ये एक केस स्टडी के आधार पर हमने पूरा असेसमेंट को देखा है कि भाई वो कौन से स्पेसिफाइड ईयर्स है जिस पे आप 153A का असेसमेंट कर सकते हो, और फिर उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी बात आती है ये ईयर ऑफ सर्च का, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें ईयर ऑफ सर्च का, जिसका रिटर्न का सेक्शन देखो, इसका असेसमेंट का सेक्शन देखो, और इसकी टाइम लिमिट देखो कितनी अलग हो जाती है, जबकि इसकी टाइम लिमिट 1431 में होनी चाहिए, लेकिन उसको ओवरूल कर देता है बाय 143B। पेनाल्टी की कवरेज, ये पूरी पेनाल्टी का कवरेज इस सीक्वेंस में जा रहा है, काफ़ी कुछ पेनाल्टी हमने स्टूडेंट्स TDS के चैप्टर में कर लिया है, काफ़ी कुछ हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में किया है, और बैलेंस छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बने हैं। अगर आप पेनाल्टी का इंटरप्ले, ये असली घमासान यहाँ पर ही है कि बिटवीन जो जुगलबंदी है किसके बीच में, 270A और 271AB में, किस साल में 270A में लिखा हुआ है अंडर रिपोर्टिंग हम नहीं मानेंगे अगर पेनाल्टी आपका एप्लीकेबल हो रहा है अंडर सेक्शन 271AB को, अगर पेनाल्टी एप्लीकेबल हो रहा है अंडर सेक्शन 271AB, तो हमें ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि फॉर विच ईयर, विच ईयर पेनाल्टी 271AB में लगेगी, उसके लिए मैंने दो केस स्टडी आपको दे दिए। कौन से हैं वो दो केस स्टडी, ये है आपके पास,
और वो दोनों साल को कैप्चर कर लेता है इन दो केस स्टडी में जो हमने 271 डबल ए बी में चर्चा की थी। इंटरप्ले बिटवीन 271 डबल ए बी एंड 271 डबल ए सी, कब 271 डबल ए बी लगेगा और कब 271 डबल ए सी लगेगा, तो ये उसकी इंटरप्ले है जो कि मैंने आपको बताया है इस कॉन्टेक्स्ट में। अपील्स में देखो यहाँ पे एडिशनल एविडेंस बिफोर द सीआईटी अपील, ये अगर रखा गया ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, किस हालात में एडिशनल एविडेंस रखे जा सकते हैं ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरी लिमिट्स भी याद रख के चलना स्टूडेंट्स कि किस टैक्स इफेक्ट कितने होने चाहिए, अगर आपको आईटैट के पास जाना टैक्स इफेक्ट कितने होने चाहिए, अगर आपको हाईकोर्ट पर आना है या फिर सुप्रीम कोर्ट पर आना है। कंसेप्ट ऑफ स्टे, ये केस स्टडी मैंने आपको तभी करवाया था और यहाँ पर भी करवा रहा हूँ कि 143 का असेसमेंट ऑर्डर हुआ है और फिर यहाँ पे क्या असेसी को ऑर्डर जो पास हुआ है और उसके बेसिस पे जो नोटिस ऑफ डिमांड बनाई गई है क्या वो पे करना मैंडेटरी है तब जाके ही वो अपील कर सकता है, एंड द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, उसे सिर्फ ऐसे टैक्स पे करना है अगर उसे अपील में जाना है तो। लेकिन क्योंकि नोटिस ऑफ डिमांड उस पर जारी कर दी गई है और विद इन 30 डेज अगर वो नोटिस ऑफ डिमांड अगर पे नहीं किया गया तो फिर उस केस में उसे एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित किया जाएगा, और अगर वो एसएससी इन डिफॉल्ट है तो फिर उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड ऑन हिम। तो ऐसे हालात में हमें तो लेकिन अपील में जाना है, तो फिर अपील में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देखिएगा फिर। देयरफॉर आप को अगर अपील में जा रहे हो और आप डिमांड जो है वो पे नहीं करना चाहते जो कि आप पे रेज किया गया है, तो एप्लीकेशन करेंगे किसके समक्ष, एओ के समक्ष, और ये एप्लीकेशन करके ये 220 में एप्लीकेशन किया जाएगा। फिर एक बार सीआईटी अपील्स का ऑर्डर आ जाए ठीक है और वो अगेंस्ट एसएससी हो तो वो जो स्टे जो दिया गया था एओ की तरफ से वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और फिर आप आगे अपील करोगे कहाँ पे, आईटैट में। आईटैट में अपील करोगे तो एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा स्टे के लिए किसके पास, आईटैट के पास, तो ये स्टे का कितना पीरियड होगा वो है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन रिव्यू एंड रिकॉल, ये इंपॉर्टेंट है केस लॉस के कॉन्टेक्स्ट में, रिकॉल स्पेसिफिकली रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटैट, सेटलमेंट कमीशन, ग्राउंड क्या होंगे, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, रिव्यू के लिए हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनी मिस्टेक टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और रिकॉल के लिए आईटैट, हाईकोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। रिविजन ऑफ द ऑर्डर 263 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूरा का पूरा ये सजा के रखा गया है। पहले क्या होगा, एओ अपना ऑर्डर पास करता है, फिर सीआईटी एग्जामिन करेगा ऑर्डर और फिर उसे अपने ओपिनियन पे लाना होगा कि क्या एओ का ऑर्डर अरोनियस या डीम्ड अरोनियस माना जा सकता है, प्लस इट्स प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो फिर तब जाके सीआईटी क्या करेगा, इश्यू करेगा शो कॉज नोटिस। उसमें फिर बाद में अमिताभ बच्चन का केस कि क्या एक और शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है जिसमें दूसरे कोई मुद्दे कवर किए जाए एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल शो कॉज नोटिस, तो उसका आंसर है येस, और उसकी वजह क्या है, ये अमिताभ बच्चन के केस लॉ में है। प्रोसीडिंग कम्प्लीट होता है तो स्कोप में स्टार मार्क किया गया है जो कि आपको नीचे मिलेगा, इसकी स्कोप क्या है और टाइम लिमिट, ये चीज है कह रहेगा। फिर उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग स्टूडेंट्स, वही है नोटिस ऑफ डिमांड देने पर 30 दिनों के अंदर पे करना है, मान के चलो अब वो स्टे वे बाजू में करो, मान स्टे नहीं है तो फिर 30 दिनों के अंदर पे करना है, नहीं पे होगा तो फिर आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे और एसएससी इन डिफॉल्ट होने पे कॉन्सिक्वेंस क्या लगेंगे, ये 1, 2, and 3 है आप पे कि पहला तो इंटरेस्ट है, फिर पेनाल्टी है आप पे और फिर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में ये रूल 68(1) में कि अब आपकी वो अटैच्ड प्रॉपर्टी को 7 सालों के अंदर वो बेचा जा सकता है और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, वो एक है। और 228A का भी और एक अमेंडमेंट है, फॉरिन कंट्री का जो डिफॉल्टर है और उसका कनेक्शन क्या है इंडिया के साथ, या फिर डिफॉल्टर इन इंडिया है और उसकी कनेक्शन क्या है, फॉरेन कनेक्शन है, मतलब फॉरेन कंट्री का नॉन रेसिडेंट है या फिर उसके एसेट्स फॉरेन कंट्री में है जिसके साथ इंडिया का समझौता है, एग्रीमेंट है फॉर टैक्स रिकवरी। तो ये तो मैंने आपको करवाया भी था और बस यही चीज कहने का मतलब क्या, स्टूडेंट सबको रिविजन आप बहुत फास्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिकली लास्ट मंथ में ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा हूँ ये करके देखना, आप लोग पहले इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से और प्राइमरी फिर वीडियो को एक क्विक अल्टीमेटली देना, क्योंकि मैं वीडियो में आपके साथ संवाद करूंगा और आप बस वो फ्लो बना के चलना, क्योंकि वही फ्लो से आपके बहुत सारे अल्टीमेटली प्रोविजन या तो कंप्लीट हो जाएंगे।
और फिर बाद में अगर आपको बोले कि हाँ भाई वो पेनाल्टी वेनाल्टी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फ्लो पहले सुनना और तुरंत जाके कंप्लीट करना, देखो आप कितना जल्दी आपका कंप्लीट होता है। लेकिन पहले एक बार स्लाइड गो थ्रू करके फिर बाद में आप वीडियो सुन लेना, एंड देन आफ्टर इमीडिएटली गो थ्रू दोस रिलेवेंट प्रोविजन, बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार कंप्लीट हो गया ना तो स्टूडेंट्स क्या करना कि बस वो जो मैंने कहा कि हार्डली वो ड्यूरेशन का 40 मिनट होगा, वो आप जरूर से सुनते रहना उसको। 3 दिन में आधा घंटा 40 मिनट आप निकाल के उसको सुनते रहना, ताकि वो लिंक बनता रहे और आप उतने तक अल्टीमेटली कैप्चर करते रहो, बहुत आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक आप ये उसको अच्छे से कर लें जितना मैंने बताया है। मैंने बताया कि एनआर और ट्रांसफर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो सीधा प्रैक्टिकल में डाई मारो उसमें वैसा कुछ है नहीं, आप थियरी उसमें नहीं कर सकते, उस पर तो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैंने कि जो लेवल पे हमने इसको एड्रेस किया है क्लास में, तो देर कैन नॉट बी एनी दिस थिंग, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में मेथड सीधा पूछेंगे आपको, या कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे आ जाएगा प्रैक्टिकल, तो आप उसमें अननेसेसरी व्यर्थ में लेक्चर सुनने में ज़्यादा वो नहीं, मैं आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ। तो आपका फोकस होना चाहिए सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे, वहाँ पर उस एरिया पे क्या होना चाहिए, दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज़ टू बी कंसिडर। ठीक है, TDS TCS के लेक्चर मैंने डाल के रखे हुए हैं, तो आप होपफुली आप गो थ्रू कर चुके होंगे। मैंने आपके इसकी PDF फाइल भी डाल के रखी, जिस फ्लो से आप उसको करेंगे, ताकि अब काम है कि एक अच्छी पकड़, डिसाइसिव रिविजन, और सीधे प्रैक्टिकल एरिया को अटैक करके निकलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी से, सी यू देन।